चलिए तो फॉरेन पॉलिसी शुरू करते हैं। पीछे एक बार रिकैप करता हूँ, क्विक करता हूँ, खत्म किया जाए। ठीक है, आप लोग बाय तो चल ही रहा है, सुभान अल्लाह, तो चलते हैं उसी रिदम को फॉलो करते हैं। चलो तो पहले शुरू किससे किए थे हम लोग? जवाहरलाल नेहरू से, है ना। तो जवाहरलाल नेहरू का फेवरेट क्या था? नाम। और नाम में भी आपका सबसे पहले नॉन अलाइंड, उसमें भी क्या, नेशनल इंटरेस्ट, जिसमें होगा वो काम करेंगे। इसको थोड़ा सा कैरी फॉरवर्ड आगे किया गया किसके द्वारा? शास्त्री जी। तो जवाहरलाल नेहरू के बाद क्या? लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के बाद देश के आंधी। उसके बाद फोर्थ कौन है? राजीव गांधी। तो राजीव गांधी का और इंदिरा गांधी से पहले दो तीन चीज का ख्याल रखना है। इंदिरा गांधी के समय इकोनॉमिक कलर बहुत ज्यादा ऐड कर दिया गया, मतलब नेशनल इंटरेस्ट जो था वो था देशभक्ति, सब ठीक ठाक है। देशभक्ति के लोग क्या बोला, एक तो डोमेस्टिक पहले ठीक करो, और दूसरा सर इंदिरा गांधी अभी भी थोड़ी बहुत सहमी थी बाहरी लोगों से जुड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने पहले घर का जो बोला कि इनवार्ड जो इकोनॉमी है जो देश का है, और क्या बोला था कि देश का इकोनॉमी ठीक हो जाएगा तो उसका असर फॉरेन पॉलिसी पे भी पड़ता है। बट इसके बाद अब नए बनते हैं कौन? राजीव गांधी। और राजीव गांधी समय दो तीन चीजों का है, सब ठीक है, ठीक ठाक ठीक होना चाहिए, नहीं है तो सीट क्यों ना लगता। अच्छा, हर कोई जिसमें बना तो उनका सीट लगता। लाल बहादुर शास्त्री से पहले जवाब हमने बता दिया। अब राजीव गांधी में दो चीजें होंगी। सबसे फर्स्ट कि सर अब इनवार्ड इकोनॉमी करते करते हम इस बात को समझ गए थे कि जब तक अब आउटवार्ड इकोनॉमी नहीं जाएगा तब तक हमारी इकोनॉमी बहुत फास्ट डेवलप नहीं होगा, क्योंकि घर क्या कितना भी हम उसको करते रहे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपको बाहर से निकलना पड़ेगा, बाहर के लोग से बिजनेस करना पड़ेगा। अब दो चीजें राजीव गांधी ने क्या बोला चाइना को, देख भाई या तो बिजनेस कर या बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझा। अच्छा, कमाल की बात है, दोनों में बी है, ठीक है, मतलब दोनों में पहला बी है, एक क्या है बिजनेस और दूसरा क्या है बॉर्डर। तो सर या तो बिजनेस करो या फिर क्या करो, बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करो। चाइना बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व करने से रहा, बोला क्या करते अपन बिजनेस करते हैं, दोनों का प्रॉफिट है। सर बिजनेस करने का हमारा नेशनल इंटरेस्ट उस समय था क्योंकि हम अब इकोनॉमी को फास्ट डेवलप करना चाहते थे, कलर दे दिया था। अब इस कलर को देखो, अच्छा कितना बखूबी देखो क्या इस चीज को किया गया है, मतलब एक पीएम उसको उठा दिया। सर ये जो तरीका है, ये तरीका बड़ा बेखाता है। तो आप यहाँ से चीजें देखेंगे, राजीव गांधी इंदिरा गांधी का देख उन बॉडीगार्ड ने मारा और सारा लिबरल इकोनॉमी का ध्यान, क्योंकि इकोनॉमिक कोरिलेशन सिंपल है कि हमारा आ रहा था राजीव गांधी से इकोनॉमी बिन फास्टर डेवलप, बिन फास्टर डेवलप इनका सीधा तो नहीं, ठीक है अब लोग यंग है तो पहले आइएगा। दूसरा चीज, राजीव गांधी ऑल्सो सेड इंडिया विल रिमेन द पावर, डोमिनेट पावर ऑफ द रीजन। सर उनका कहना यह था कि देखो अगर पाकिस्तान जिस तरीके से जवाब चाहता है ना उसको उसी तरीके से जवाब दो। अब पाकिस्तान के पास ऐसे कुछ बचा नहीं था, तो क्या बचा था? न्यूक्लियर पावर। और न्यूक्लियर पावर न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा था, उसी का आंख दिखा रहा था हमें। तो राजीव गांधी भी बोले कि अगर न्यूक्लियर पावर वो डेवलप कर रहा है तो तुम भी डेवलप करो, और तुम्हें उसके बाद क्या है जवाब उसी में दो, जैसा वो जवाब चाहता है वैसे जवाब दो, बात खत्म है। लाठी से तो लाठी से, भाला तो भाला, और न्यूक्लियर वेपन तो न्यूक्लियर वेपन। नीचे आइए, इफ एडवर्सरीज डेवलप्स न्यूक्लियर कैपेबिलिटी सो इंडिया विल ऑल्सो। अच्छा मैंने बार बार बोला था आपको कि उसने डोमिनेट पावर ऑफ द रीजन बोल दिया, लेकिन रीजन कहां तक बोला ये सर पाकिस्तान को खा लिया था कि हम सर इतने एरिया के बाहुबली। अरे कितना एरिया वो पता नहीं। अच्छा पाकिस्तान सटा हुआ है हमसे, तो बगल में पहले उसी को ज्यादा मिर्च लगेगा, लेकिन श्रीलंका को नहीं लगा, और पाकिस्तान को स्वाभाविक है कि लग गया। क्यों? क्योंकि सर न्यूक्लियर पावर वही डेवलप कर रहा था। वही बोला जाता है ना कि सर अगर आप गलती करेंगे तो आपको चूक जाएगा, तो बोल दे लग जाए धक से। तो सर भाई साहब तो बड़ा जोर से बोला। तो सर नीचे आना, इफ एडवर्सरी डेवलप न्यूक्लियर कैपेबिलिटी देन Because if sovereignty is challenged by nuclear weapon, then India will also retaliate with capability of nuclear weapon. तो सर अगर sovereignty challenge होता है तो India भी nuclear weapon से जवाब देगा, तैयार रहिए। नीचे आइए, नोट इंटरव्यू में वी आर नॉट डोमिनेट, आपको बताया था कभी भी आप, हम लोग डोमिनेट है ही नहीं, किसी भी एंगल से हम लोग डोमिनेट नहीं है, तो इस बात को दिमाग में तो आपको रखना ही है कि डोमिनेट हम लोग है नहीं। अब उसके बाद वापस नीचे, नेक्स्ट। अब राइट साइड में आना, जो रिविजन फॉर एग्जाम है वहां पे वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सुन पा रहे, ध्यान से देख लेना। राजीव गांधी इन्फ्यूज्ड प्रैग्मेटिक इन फॉरेन पॉलिसी। कल प्रैग्मेटिक का मैंने क्या बताया था, प्रैक्टिकल, मतलब वो टारगेट जिसको अचीव किया जा सके, मतलब अचीवेबल टारगेट। ऐसा नहीं कि हवा में बोल दिए 2030 तक ये करेंगे वो करेंगे, सुन पा रहे हैं। अच्छा कमाल की बात, देखो अभी तक जितने भी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं प्रैक्टिकली सब जितने भी टारगेट रखे हैं वो अचीवेबल टारगेट है। आप देखो जरा ध्यान से, नेहरू जी भले डरे सहमे हुए हैं लेकिन फिर भी जो टारगेट रखे हैं वो अचीव कर पा रहे हैं।
सुन पा रहे? दूसरा, नेहरू जी के बाद कौन है? शास्त्री जी। सर वो भी अचीवेबल टारगेट रख रहे हैं। इंदिरा गांधी ने भी अचीवेबल टारगेट रखा। राजीव गांधी भी अचीवेबल टारगेट रख रहे हैं। मतलब कोई हवाबाजी नहीं कर रहा है, ठीक ठाक कर रहा है। तो इतना तो मतलब पक्का है कि सर हमारा फॉरेन पॉलिसी हमेशा ले देकर ठीक ठाक रहा है। और एक बात आपको बता दूं, अगर नहीं भी पता हो तो, इंडिया का फॉरेन पॉलिसी हमेशा ही ठीक रहा है हमारा। मतलब लक कहो जो भी कहो, क्योंकि सर इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में हमारे बहुत सारे, चाहे वो आईएफएस ऑफिसर हो, चाहे फॉरेन मिनिस्टर हो, चाहे कोई भी हो, जैसे विदेश मंत्री, चाहे जो भी हो, फॉरेन से जवाब देने वाला, चाहे सुषमा स्वराज ही क्यों ना हो जाएं, चाहे उसके पहले और कोई ना, सर एक से एक धमाकेदार रहे हैं। मतलब हमेशा से फॉरेन पॉलिसी में और फॉरेन मिनिस्टर में शायद दो तीन बातों को हमेशा ध्यान में रखना है कि सर इंडिया का लक ठीक है कि बढ़िया मिला है, और कभी भी हम उसको आँच नहीं आने दी है और आगे भी आने नहीं देंगे। उसके पीछे बहुत सारा कारण है, आप पता चलेगा। आज आप एस जयशंकर का नाम सुनते हैं, तो एस जयशंकर का नाम से पहले वो भी फॉरेन जो है आप आईएफएस ऑफिसर थे, तो सर उनका अभी जिक्र आएगा। जिस समय डीलिंग हो रहा था न्यूक्लियर वेपन का, उस समय एस जयशंकर ही उस समय के थे आईएफएस ऑफिसर, अभी आएगा थोड़ी चाहिए। तो पहला है, राजीव गांधी इन्फ्यूज प्रैग्मेटिक इन फॉरेन पॉलिसी बाय गिविंग प्राइमेसी टू नेशनल इंटरेस्ट। सर राजीव गांधी ने किसको प्राइमरी किया? नेशनल इंटरेस्ट को। उन्होंने बोला सर ये सब मुझे सब कई सुनी बाती है कि 62 में मार गए, हार गए, पिटा गए, बेकार है। सर आप तो बस ये ख्याल करो कि अभी जनता जिएगी कैसे भाई, अभी तो ये देखो बस। और अगर जी रही है चाइना से जुड़ने के बाद, तो चाइना से जुड़ने में क्या प्रॉब्लम है? और ये बात बिल्कुल सही है सर, बात अकेले की थोड़ी ना है यार, बात पूरे इंटायर कंट्री की, इंटायर नेशन की है। और जब नेशनल इंटरेस्ट आएगा तो सबसे सर्वोपरि क्या है? नेशनल इंटरेस्ट है। नेशनल इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है कि आप चाइना से जुड़िए, तो हम जुड़ जाएंगे, नहीं करेगा नहीं जुड़ेंगे, बात खत्म है। सुन पा रहे हो? जोर से बोले सर हो। अब उसका नीचे आना सर। सेकेंडली ही फाउंड ही फोकस्ड ऑन फॉरेन पॉलिसी एंगेजमेंट विथ ऑल स्टेट्स, और स्टेट्स से आपको मीनिंग समझ में आ जाएगा कंट्री का है, दैट कुड इनेबल इंडिया टू अचीव फास्टर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। द रिसर्च फॉर प्रायोरिटाइजिंग फास्टर डेवलपमेंट वॉज टू ब्रिंग अबाउट अ शिफ्ट इन इंडियन एस्पिरेशंस। हाउएवर ही स्टेटेड दैट इफ एडवर्सरी डेवलप यूनिक कैपेबिलिटीज, और यूनिक कैपेबिलिटीज का मीनिंग क्या है यहाँ पे? न्यूक्लियर वेपन की बात कर रहे हैं। इसलिए जब भी आप यूनिक कैपेबिलिटीज बोल रहे हैं, यूनिक इसका मीनिंग है न्यूक्लियर पावर से। इन्होंने क्या बोला, अगर विरोधी न्यूक्लियर वेपन डेवलप करता है तो हम भी जवाब सर न्यूक्लियर वेपन से ही देंगे। ऐसा नहीं है कि हम जवाब क्या है वो न्यूक्लियर बम मार के देगा, हम 147 से मारेंगे, ऐसा नहीं है। मारने के लायक आप नहीं रहेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है ना? एक बम मारा उसके बाद आप रहे नहीं। मतलब वही वाली बात हुई कि सर सामने वाले 47 लेके आ रहे हैं और आप बोलो ना ना हम दादाजी के लाठी से लड़ेंगे जिसमें तेल लगाया हुआ है पूरा और बहुत दिन से चमके हुआ। अच्छा तुम लाइफ आपकी है, चॉइस आपकी है, लेकिन इतना बात तो पता है आपको कि सर 147 के सामने लाठी तो आपका लाठी रह जाएगा। ठीक है, खैर नीचे आ जाइए। अब दूसरा सर, डेवलप यूनिक कैपेबिलिटी टू चैलेंज इंडिया सोवरनिटी एंड इंडिया शैल नॉट साई अवे फ्रॉम एक्सप्लोरिंग द सेम। क्या बोला इंडिया ने कि अगर यही चाहता है विरोधी तो इंडिया इसमें शर्म नहीं खाएगा कि सर हम न्यूक्लियर वेपन से जवाब नहीं देंगे, हम शर्मिले नहीं है। ठीक है, शर्मिला टैगोर भी नहीं है, नीचे आइए। दिस रिफ्लेक्टेड इंडिया राइजिंग डोमिनेंस। अच्छा ये नहीं लग रहा है आपको कि इंडिया डोमिनेंस करना चाह रहा है? अभी का जो स्थिति आपको लग नहीं, अच्छा अभी डरा हुआ सहमा हुआ था 1962, उसके बाद 1965 तक डरे सहमे चल रहे थे। सर अब सडनली अब देखो क्या शिफ्ट आया है हमारे फॉरेन पॉलिसी में, सडनली हम डोमिनेट कर रहे हैं अब, और ये डोमिनेंस कर नहीं रहे, डोमिनेंस दिख ही रहा है। क्योंकि स्टार्ट कहां से हुआ? देश की आंधी इंदिरा गांधी, वहां से शुरू हुआ। तो उसके बाद तक तो कुछ दिन तक तो जाएगा सर ना, तो बात अगर चली है तो बहुत दूर तक जाएगी। तो सर राजीव गांधी भी आ गए हैं और राजीव गांधी को सर लेके जाएंगे, कहीं ना कहीं हम इस बात को डेवलप करके ये बात बता चुके हैं। अच्छा कारण एक और भी है, अभी हम मारे हैं 1971 में। तो सर ये बहुत लोगों को बोला ना कि उनको लगा भाई ये चुपचाप था, मार दे कैसे दिया, तो उनको बिलीव नहीं हो रहा है। अच्छा बिलीव जब हुआ कि नहीं मार दिया वाकई में, चुटकी काट के देख सपना नहीं है ये सच बात है, तो देखा गया भाई तो इंडिया ने मार दिया, कमाल कर दिया। अब सर देखो क्या होता है ना, कोई शांत आदमी है उसको बहुत दिन से कोई चिढ़ा रहा है, चाहे बहुत दिन से उसको कुछ ना कुछ टॉर्चर कर रहा है, एक अचानक से दो थप्पड़ खींच के दिया। अब सर जो आदमी बहुत दिन से चिढ़ा रहा था तो उसको तो सुन हो गया अलग है, वो सोचने में मजबूर हो गया कि भाई ये कैसे मार सकता है, आप समझ पा रहे? तो कुछ दिन तक उसको विश्वास ही नहीं होता है कि ये भी मार सकता है भाई, हमको बिलीव नहीं था, लेकिन सर मार सकता है। ज़्यादा सर उतना करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा किसी को उंगली करिएगा तो बहुत कुछ कर सकता है। नीचे आइए। बिकॉज सबसे पहले दिस रिफ्लेक्टेड इंडिया राइजिंग डोमिनेंस इन द रीजन बिकॉज नेवर्स आर चेंजिंग सो वी हैव टू बी डोमिनेंट टू रिटेलिएट। सर हम ये क्यों कर रहे हैं? सुन पा रहे हो सब? हमें क्यों कर रहे हैं?
दो तरीके से, दो कारण है सर। पाकिस्तान हमको आंख दिखा रहा है। अच्छा, पाकिस्तान भी इस बात में खुश है कि चलो सर अब एक मौका मिल रहा है, कौन सा न्यूक्लियर पावर वाला सर, उसके कारण कम से कम डरा धम गाएंगे। अच्छा, ये डोमिनेट होना चाहता है तो इंडिया भी उधर क्या गया, नया पीएम। अब इंदिरा गांधी जब गई ना तो पाकिस्तान खुश हो गए, चलो चैन का सांस मिला, एक गई एक। अब सर ऐसा फिर आदमी आया, इकार है कि ना 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 ना, जो अधूरा छोड़ के गए इसको करो पूरा। अब सर पूरा का पूरा बोझा कस दो, किसका, पाकिस्तान का। ये जो सर तरीका है एक पीएम का कि दूसरे पीएम के आगे, अच्छा इसमें कोई इधर मदर फादर मत सोच लेना, कोई भी इधर इधर कोई पारिवारिक नहीं चल रहा है, इधर एक पीएम का पद है, उस पद का प्रतिष्ठा रख के जो पीएम ने जहां तक छोड़ा है वहां जा रहे, नहीं कि मम्मी ने ये किया तो बेटा भी वही कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं चल रहा इधर। सर पीएम है आप, मम्मी बेटा इधर मत करिए, क्योंकि पीएम अगर मम्मी बेटा करने लगे तो हो गया, फिर पीएम बन गया, जैसे कुछ डिसीजन है मम्मी क्या करें। अब मम्मी ने बताया देखो बेटा ऐसा करो तुम वहां से निकल लो, इसलिए क्या कि तुम्हारे जान को है खतरा। अब सर आप पीएम हो, लेकिन आप बोले कि नहीं मम्मी पीएम है, मजाक थोड़ी है, तो बोलो ये पीएम हो बाद में हो, डुप्लीकेट रख दो वहां पे, बाकी तुम निकल लो। मेंस में वहां लिखा हुआ है, देख लो मेंस में यूनिक कैपेबिलिटी शब्द का मतलब है न्यूक्लियर वेपन एंड ऑल, इसलिए क्योंकि इंडिया के इंटेलिजेंस के पास कोई प्रूफ नहीं था, बट 1998 में इंडिया जान गया कि पाक न्यूक्लियर परीक्षा कर चुका है। मतलब कि इंडिया के पास जब तक प्रूफ नहीं था तब तक हम यूनिक कैपेबिलिटी शब्द इस्तेमाल कर रहे थे, भाई प्रूफ तो होना चाहिए। जब प्रूफ मिल गया कि पाकिस्तान भी डेवलप कर चुका है तब हम न्यूक्लियर वेपन शब्द का इस्तेमाल करने लगे। इसलिए अब आपके आगे के नोट्स में देखिएगा तो सर उस समय आप देखेंगे तो आपको अब न्यूक्लियर वेपन यूज होगा, लेकिन राजीव गांधी के समय तक चूंकि पूरी तरीके से कंफर्म नहीं था और हमारे पास कोई एविडेंस भी नहीं था, और एविडेंस था भी तो पक्का तौर पर नहीं था, हमें पता तो जरूर थे, पता किसको नहीं होता है। अच्छा सुन पा रहे हो सब, प्लीज जोर से एक बार बोल दो यस सुनो। अब देखो उसमें दो चीज है, प्रूफ कभी कभी चीजें आपके पास रहती है लेकिन आप चाह के भी नहीं बोल सकते। जैसे आप जानते हैं कि आपका दोस्त हरामखोर है, आप जानते हैं जो भी जिसके साथ आपको पता है हरामखोरी कर भी रहा है आपके साथ, ठीक है, वादा इसके साथ के साथ दुर्वादा कर दिया। फिर अब सर ये दोस्त हरामखोर ऐसा है आपको पता है, अब आप प्रूफ के लिए बहुत सारे आजमा रहे हैं, हो सकता है प्रूफ मिल भी जाए फिर भी आप नहीं बोल रहे हैं। सेम उसी तरीके से इंडिया पाकिस्तान, इंडिया को पता था कि पाकिस्तान कर रहा है, कर चुका है इनफैक्ट, और ये करेगा, बट हम इस बात में ज़्यादा इंटरेस्ट थे कि अब वो कर दिया अब हमको भी करना पड़ेगा, कहे कि आँख तो ये दिखाएगा, तो हम भी अपना प्रोसेस तेज कर दिए। अच्छा कुछ लोग ये भी कहना है कि राजीव गांधी ने सर जानबूझकर फास्टर इकोनॉमी पे किया था क्योंकि उनको न्यूक्लियर परीक्षण को भी और ज़्यादा बढ़ावा देना था, कुछ लोग का इंटरनली कहना था, हालांकि उनके समय में कंप्लीट हुआ नहीं लेकिन उनका बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि सर न्यूक्लियर परीक्षण में तो आपको बहुत सारी चीज़ें लगेंगी यार, बिना सुपर कंप्यूटर और ये सारा कुछ बहुत सारी चीज़ें लगेंगी, तो आपको पहले भी चाहिए, और फंड आपको सर राइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिना इकोनॉमी और बिना फंड के यहाँ कुछ होना है। तो राजीव गांधी का एक बहुत बड़ा रोल था कि उन्होंने इकोनॉमी को तेज नहीं फास्टर तरीके से और तेज तरीके से उन्होंने डेवलप करने की कोशिश की, जो दिखाता है कि इंडिया सर अब आगे आने वाला था और डोमिनेट करना चाहता था वाकई। पेज नंबर आप 71 पे आइएगा, नरसिम्हा राव। तो नरसिम्हा राव एंड अप्रोच ऑफ फॉरेन पॉलिसी, यहां से सर चेंज होगा। अच्छा आइडिया लगाओ, फर्स्ट कौन थे बोलते थे, नाम बोलना अभी सबका, पहला जवाहरलाल नेहरू, दूसरा शास्त्री, उसके बाद इंदिरा गांधी, उसके बाद राजीव गांधी, अब राजीव गांधी के बाद सर कौन आ रहे हैं, नरसिम्हा राव। अब सर नरसिम्हा राव पे आइए और नरसिम्हा राव का ध्यान से देखिएगा, बहुत मजे तरीके से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। नरसिम्हा राव एंड अप्रोच ऑफ फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, पहला राव बिकम्स पीएम व्हेन ए स्ट्रगलिंग इंटरनेशनल एनवायरनमेंट। सर राव उस समय पीएम बन रहे हैं जब इंटरनेशनली क्या क्या हो रही थी, पहला बात रसिया टूट चुका था लगभग, और दूसरा कोल्ड वार खत्म मतलब रसिया क्या गया ब्रेक डाउन, बात खत्म, उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड हो चुका था, तो पावर कौन था इधर, कौन, यूएसए। अब सर दो चीज ध्यान से समझना, सर हम रसिया से थोड़े ज्यादा झुक गए थे, अब हम रसिया की तरफ थे, रसिया टूट गया। अब सोचो राव का चैलेंज ये था कि बॉस जिस पे ज्यादा डिपेंडेंट है, क्योंकि सर इंदिरा गांधी ने आंख दिखाया था अमेरिका को और बोला भी था बेटा इक्वल ट्रीटमेंट दो, नहीं तो मतलब समझ रहे हो रेत के बराबर कर देंगे, और हमने दिया 1971 सर, उधर अमेरिका को बुरा लग ही रहा था। दो चीजें हुई, हम किसके वर्ल्ड पे उड़ रहे थे, हमने क्या बोला अगर तुमसे इंगेज नहीं करेंगे तो रसिया उधर है ना, लेकिन सर ले भाई अब ऐसा सिचुएशन है रसिया गायब हो गया। अब कमाल ये हुआ कि हमारे पास सर दो सुपर पावर में से एक सुपर पावर हो गया खत्म, अब बचा कौन, यूएसए। अच्छा हम यूएसए आग दिखा गया हुए, नहीं कभी कभी होता है कि दो दोस्त था सर एक के साथ हम थे इसके साथ मिल गया कॉन्फिडेंट जाकर मार के आ गए, अच्छा बाद में पता था जा ये तो मर गया
अब आपको क्या लग रहा है, बाकी अब ऑप्शन नहीं बचा है, अब इसी के साथ लाइफ बिताना पड़ेगा। तो आप कहोगे नहीं, देखिए ना जी, गलती से मार दिए थे आपको, बस माफ कर दीजिए, माई बाप आप ही है सब। अब सर ये जो सिचुएशन है कि जब आप मजबूरी होती है तो डैश को भी बाप बनाया जाता है, तो सर अब इंडिया के पास सबसे बड़ा चैलेंज कि एक तो आंख दिखा के आए हो, उसको सर जवाब दे के आए हो, और दोबारा अब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, और नेशनल इंटरेस्ट ये कहता है कि अगर तुम सर नहीं जुड़े रहे तो फिर तुम्हारा इकोनॉमी क्या है, बहुत पीछे चला जाएगा, तो आपको मेंटेन करना है। तो नरसिम्हा राव का चैलेंज सबसे ज्यादा था सर, और उसके पीछे कारण ये था, हर किसी अपना अपना चैलेंज था, कारण ये था कि इनके पास ऑप्शन कम हो गए, और पहले वाले तो सर ऑप्शन देना बोल के कूद के चले गए। राजीव गांधी क्यों बोले मारो अमेरिका को, क्यों रसिया है, इंदिरा गांधी क्यों बोली नहीं बोलेगा रसिया है, अब लो रसिया ही नहीं है। अब सर राव का दिमाग खराब हो रहा है कि भाई ये लोग तो काम करके चले गए, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच रहा है, लेकिन राव देखो सर बड़ा अच्छे से संभालेगा। पहला ये, नेक्स्ट, तो सर कोल्ड वार एंडेड एंड इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस होने लगा, बिकॉज व्हेन देयर इज चेंज इन इकोनॉमी देन ब्यूरोक्रेट्स रेसिस्ट एंड चेंजेस बिकॉज देयर पावर रेसिस्ट करे। देखो इंसान का नेचर है, जल्दी नया चेंज होगा ना वो खुद ही नहीं जल्दी चाहेगा झेलना। जैसे मान लो आप हर दिन 10-10 केला खाते थे, अब सडनली बोलेगा केला के जगह पे आप खाइए अंडा, मान लो तो आप लोग क्या हुआ धीरे धीरे, तो शुरुआत में कहकर क्या दे रहे हो यार, 2-3, 4-5, 6 दिन फिर खाते खाते तब आपकी आदत बनेगी। तो हमारा बॉडी रेसिस्ट करता है, जैसे मैंने बोला कि सर आज 2 घंटे पढ़ना, मैंने बोला आज चलो आज 4 घंटे करते हैं, तो आपको मैंने बोला 2 घंटे आना, फिर 1 घंटे घर चले जाओ, फिर वापस आना, तब आपका बॉडी क्या कहेगा, काफी रेसिस्ट करेगा, आज रह नहीं देते हैं सर, आप समझ रहे। अच्छा जैसे ही हरकत 4-5 दिन 7 दिन हुआ, उसका कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, बॉडी उसके साथ एडजस्ट कर लेता है। इसलिए मेरे से कुछ लोग पूछते भी हैं नींद कितना लेना चाहिए, भाई नींद उतना लो जितना से तुम्हारा का तुम्हारा काम बस गया, तुम फील करो ठीक ठाक। बॉडी या नियम कुछ नहीं होता, 8 घंटे 9 घंटे कुछ नहीं, अरे किसी किसी को 3 घंटे में तगड़ा हो जाता है। आप बस ये देख लो अपना कि आपका बॉडी कितना प्रॉपर नॉर्मल वर्क कर रहा है, किसी का 3 घंटे में भी काम करता है, किसी का 4 घंटे में, किसी का 12 घंटे बाद भी काम नहीं करता है भाई, सोने के बाद समझ रहे, 12 घंटे बाद भी कहता है गिव मी सम मोर और नींद, तो उनके लिए क्या होता है दिन सोता रात सोता, समय मिले तो और ही सोता। तो ये जो तरीका है सर, आप बहुत सोते हैं, बहुत लोग इतना सो घर वाले परेशान है कि सोना ही था तो भाई आया कि पृथ्वी पे तुम। अब सर ये जो तरीका है ना, तो आप बॉडी यकीन मानिए कोई नियम वो नहीं चलता है। और याद रखिए सर, अगर सक्सेसफुल होना है तो रात के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, क्योंकि 24 घंटे कभी सफिशियंट किसी के लिए नहीं हुआ है, लेकिन 24 घंटे में इतिहास रचना पड़ेगा आपको। तो आपके पास दो ही जगह है वक्त काटने का, या तो दो तरीका है, या तो बहुत सुबह उठ के टाइम बचाइए 4 बजे, तब 4-5 बजे उठ के टाइम बचा लीजिए, क्योंकि 9 बजे तक जब तक शहर उठेगा, कल संडे है, कुत्ता नहीं मिलेगा सर कल संडे है, यहाँ तो फिर भी ठीक ठाक मिल जाते हैं, दिल्ली में जाइए सर, आप उठ जाओ सुबह में 7 बजे, आपको लगे इस दुनिया में ऑफिस ही नहीं, रोड पे सारा कुछ बंद है यार, भाई सच्ची बता रहा हूँ मैं, वहां पे सर 9 बजे संडे के दिन तो 10 बज गया 11 बज गया, घर से म्यूजिक का आवाज आ सकता है, आदमी नहीं दिखेगा आपको उस दिन, इतना सर डर लगता है, कभी 5 बजे अगर गलती से उठ गए दौड़ के भागोगे और जाके ना 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 हम पहले सो के आते हैं, मोतिहारी में तो फिर भी उठ के लोग, कुछ लोग जो है संडे के दिन अलग खुशी होता है, संडे के दिन अलग खुशी होता है, पता नहीं किस बात का खुशी, तो बस क्यों संडे है, सुबह उठ के खूब उन्हें चिकन उकन लाएगा, बैचलर पार्टी सब चिकन लाएगा, चिकन बनाएगा, इधर चल रहा है गाना बज रहा है, इधर चिकन बन रहा है, खूब तरीका अपना चल रहा है, इधर कपड़ा खींच रहा है, अजीब सर खुशी है संडे के दिन। अच्छा उस दिन मैं क्लास रखता हूँ भाई, ताकि आपको ये फील ना हो कि संडे है, संडे में खलल डालने का आदत है सर। आप क्या करते हो, देखो एक दिन छुट्टी ले लोगे संडे को, अब आपने एक दिन गैप ले लिया, अब मंडे को भी मन करेगा अच्छा आज छोड़ देते हैं ट्यूजडे से कर लेंगे समझ में आ रहा है, इसीलिए सर बोले एकदम को कंटिन्यू करो, इसीलिए मैं मंडे को ऑफ नहीं रखता, ट्यूजडे को ऑफ रखता हूँ, कारण ये है कि ट्यूजडे या वेडनेसडे या थर्सडे, क्योंकि संडे को छुट्टी है, साइकोलॉजिकल में फिट है, अब उसको लगता है संडे तो मान लो सर अगर क्लास हो गया संडे को, इसे छुट्टी रहे करते क्या है ना, अगर मंडे को छुट्टी दे देते संडे को कौन नहीं आएगा, जैसे ही मंडे को छुट्टी देंगे संडे को सब गायब, क्या है कि एक दिन छुट्टी करेगा तो 2 दिन मिलेगा, समझ नहीं पा रहे, एक दिन करे 2 दिन मिला, इसलिए हम बोले ना ना बेटा ट्यूजडे नहीं तो क्या वेडनेसडे, संडे को भी आओ मंडे आओ और ट्यूजडे आराम करो। अब आओ नेक्स्ट नीचे, तो दूसरा है सर 19 यूएसएसआर ब्रेकडाउन, सो हम लोग आर्म्स कहां से लेंगे, सो आवर सिक्योरिटी वाज एट स्टेक,
एंड दिट्स क्रिएट्स इनसिक्योरिटी अमंग अस, सो राव हैड टू टेक हार्ड डिसीजन, सो इंडिया फोकस ऑन स्ट्रेटेजिक प्लस इकोनॉमिक विद यूएसए. सर हमारे पास बचा नहीं, गधा को हमें बनाना था और गधा को फादर बनाना पड़ेगा सर. और अमेरिका उधर बाहें फैला के बैठा था कि बेटा मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे. तो सर गए भी थे, असल में रसिया टूट गया. हमको क्या पता कि रसिया बीच में साथ छोड़ देगा भाई, हम तो रसिया का साथ चले थे. अमेरिका खुश हो रहा है, अब ऑप्शन ही है ना हमारे पास. और अमेरिका को भी पता, अमेरिका भी पूरा पार्टी मना रहा है. जाएगा काहे, कहाँ जाएगा भाई, तू इधर ही आएगा. अब सर अमेरिका खुश, लेकिन सर दो चीज. फिर अब की बार अमेरिका को ये बात समझ में आ चुका है कि नहीं बेटा अब की बार इक्वल ट्रीटमेंट देना पड़ेगा. ये तो पहले 20 मिनट इंतजार करवाया था पाकिस्तान वाला, बन गया बांग्लादेश. अब की बार अगर ज्यादा इक्वल ट्रीटमेंट नहीं दिया तो सर क्या पता नरसिम्हा राव कहीं पागल हो गए. अभी तक तो ठीक ठाक है, क्योंकि इंडिया के लोग कब पागल होते हैं कब खुश होते हैं कोई भरोसा नहीं है सर. तो मिर्गी चढ़ते रहते हैं उनको. अब जानी चाहो तो नरसिम्हा राव ने क्या किया 1993, अच्छा 1993 की बात है. 1991 तक कंप्लीट रसिया ब्रेक हो चुका है. अब सर लगभग एक दो साल हो चुके हैं और हम रसिया को मना रहे हैं क्या है, मतलब जुड़ा ना ठीक है. कम से कम नहीं होगा तो चार पांच मिल के बन जाओ फिर से. कजाकिस्तान को छोड़ दो, कम से कम तुर्कमेनिस्तान वाला साथ मिल के बना लो. सर ये पूरा विवाद चल रहा है. अच्छा 1993 का वो समय एक डायलॉग आता है लुक ईस्ट पॉलिसी. अब सर सुनना ध्यान से पहले, ये लुकिस्ट पॉलिसी, गुजराल डॉक्ट्राइन, ये सब फालतू की बातें हैं, सुन लीजिए. ऑफिशियली कुछ नहीं है, बस ये जाके भाषण दे दिए. भाषण में उन्होंने बोला कि हम पूरब की तरफ देखेंगे. पूरब की तरफ कौन से कंट्री उंट्री को बता देते हैं, तो बोल दिया. तो इसको सर स्कॉलर्स लोगों ने, ये मीडिया का कमाल है, उन्होंने बना दिया सर नरसिम्हा राव सेड लुक ईस्ट पॉलिसी. अच्छा ये बोल रहा है कि भाई बोलने के लिए था, ऑफिशियली कोई उसका ना साइन हुआ है ना कुछ हुआ. और मैंने पहले बोला था, एक और बात सुन लो, इंडिया कमिटमेंट तो बहुत कर देता है, ओवर कमिटमेंट 2030 तक भाई और बहनों ये पूरा कर नहीं पाता है, चाइना वाला उसको पूरा कर देता है. मेरे पास समझ में आ रही है, बोल दिया 2020 तक हम ये लाएंगे, नहीं हुआ कोई और ला दिया. अब सर हमारा इसी को बोलते हैं डिलीवरी डेफिसिट. ये शब्द बार बार आपको मिलेगा और ये आईआर का सबसे फेवरेट शब्द है, डिलीवरी डेफिसिट. मतलब हम चीजों को कमिटमेंट तो कर देते हैं लेकिन उसको पूरा नहीं कर पाते हैं. और डिलीवरी डेफिसिट का सिंपल फायदा चाइना उठाता है, बहुत ज्यादा हमारे आइडियाज के फायदे चाइना उठाता है हमेशा से, शुरुआत से. और ये चाइना जानता है कि सर इंडिया का सोच अच्छा है, एग्जीक्यूट नहीं कर पाता है, एग्जीक्यूट वो खुद कर लेता है चाइना वाला. अब जरा नीचे आना, 1993 की बात है सर, 1993 में थोड़ा सा नीचे देखिए, लुक ईस्ट पॉलिसी बाय राव बिकॉज यूएसए का एलाइज साउथ ईस्ट एशिया. सर एलाइज लिखा है अलायंस की, थोड़ा भी समझना. तो साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा हूं, क्या बात कर रहा हूं, साउथ ईस्ट एशिया. याद है कि भूल गए, लाओस वियतनाम इंडोनेशिया वाला पूरा हिस्सा. अब सर उसमें बना था सियाटो, हालांकि आपको पहले वाला थोड़ा बेसिक सा पीछे बचा हुआ था इसलिए आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मैंने आपको बोला था कि अमेरिका सर क्या कर रहा था, रसिया को और चाइना को पूरी तरह से घेर रहा था. तो अलग अलग अलायंस बना रहा था ना, तो उसने अलग अलग, मैंने नाम भी बताया था आपको, एंजूस, सियाटो, फिर उसके बाद नाटो. तो नाटो क्या था, कुछ नहीं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. तो उस ओशन के आसपास जो कंट्री थे उनको मिला के नाटो बना दिया. फिर चला गया साउथ ईस्ट एशिया, बना दिया सियाटो. तो सर साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म पर रटने की कोई जरूरत नहीं है. अब सर यहां से काम बढ़ता चला गया. अब इसके बाद दो चीजें हुआ इंडिया से, देखो सियाटो है मतलब साउथ ईस्ट एशिया, और साउथ ईस्ट एशिया है तो इंडिया भी सर एशिया का पार्ट है. तो सर इंडिया को क्या, इंडिया ने क्या बोला, लुक ईस्ट पॉलिसी. मतलब आप सर उसके तरफ देखो, बेसिकली किसके तरफ, इंडोनेशिया, थाईलैंड, कंबोडिया, ये सब के तरफ देखो. लेकिन सर बेसिकली देखने का कारण क्या है, क्योंकि सर सियाटो है और सियाटो बनाया कौन, अमेरिका. तो बेसिकली हमने क्या बोला, नहीं होता है कभी कभी डायरेक्टली आप नहीं बोलते हैं कि हम तुमको चाहते हैं, इनडायरेक्टली भेजवा देते हैं पत्ता उत्ता पे लिख के. अब सर आप डायरेक्टली यहाँ पे क्या, आपने इनडायरेक्टली बोल दिया. अब उसके गुर्गे मुर्गे, अरे हंस रहे हैं सर आप ही लोग भेजते हैं, हम नहीं भेजते. अब सर क्या है, डायरेक्टली कोई नहीं बोलता, इनडायरेक्टली बोल देता है. अच्छा तीन आदमी खड़ा है, चार तुम बहुत सुंदर हो. अब सर किसको बोल रहे पता नहीं है. अब बोल तो दिया डायरेक्ट, बोल के इधर मुंह घुमा लिया इधर. अच्छा वो लड़की बोले हिम्मत है तो सामने से बोल. अगर हिम्मत है तो सामने से बोल. अब सर क्या है, सामने जब बोले नहीं 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 तुमको नहीं बोल रहे थे, हम तो इसको मोटरसाइकिल को बोले थे कि बड़ा खूबसूरत है. अब सर यहाँ पे आपका औकात आ जाता है पता. तो बोला अच्छा अच्छा ठीक है इधर आ जाओ. तो हिम्मत लाइए सर, हिम्मत लाइए.
और प्यार रखिए तो सब कुछ सही हो जाता है। सियाटो में आया साउथ ईस्ट एशिया, तो साउथ ईस्ट एशिया की तरफ देखिए, हमने बेसिकली अमेरिका की तरफ अपना झुकाव थोड़ा समर्पण किया कि बेटा दे, ऐसा भी ऑप्शन है नहीं, थोड़ा हमको भी ले, इसलिए क्योंकि इकोनॉमी हमारा भी सर एक बहुत अच्छी स्थिति पे है, यहां से हम सपोर्ट नहीं लेंगे तो हम बहुत नीचे चले जाएंगे, फिर ऊपर आना हमारे थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। सुन पा रहे हो? तो हमारा नेशनल इंटरेस्ट अमेरिका से मदद लेने में ठीक था कि नहीं था? अमेरिका से मदद लेना हमारे लिए ठीक था क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट में था, और नेशनल इंटरेस्ट बढ़कर कुछ नहीं होता। नहीं चाहिए। दूसरा सर, एलाई साउथ ईस्ट एशिया में थे एंड वी डू दिस क्योंकि हम सीखना चाहते थे। अच्छा देखो क्या बात बोला गया, हम सोचे क्या कि सर, अच्छा सुन रहे हो सब? हाँ है ना? हम बोले कि हम सीखना चाहते हैं अमेरिका से। वाह, क्यों सीखना चाहते हैं? कि अमेरिका आखिर कैपिटलिज्म तो है लेकिन डेवलप्ड कंट्री भी तो है। आप सुन पा रहे हैं? सर इससे बड़ा चापलूसी और कुछ नहीं होता, इससे बढ़िया चापलूसी। हमने क्या बोला? ऑप्शन है नहीं। हम क्या बोले? हम अमेरिका से इसलिए जुड़ना चाहते हैं क्योंकि हम सीखना चाहते हैं कि अमेरिका कैसे किसी से इन्वॉल्व होता है, और क्योंकि सर वो विकसित देश है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उससे क्या करें, सीखें। अच्छा अमेरिका को भी पता है कि कितना सीखेगा ये, समझ आ रहा है? आइए, फिर भी अमेरिका भी तो गोली जानता है देना। यूएसएस आर्ट टूट चुका था, सुन पा रहा और ध्यान से? सो यूएसएस आर्ट टूट चुका था, सो हमने यूएसए से जुड़कर सीखने की कोशिश की क्योंकि यूएसए एक, सो वी डिसाइडेड टू गो विथ यूएसए फॉर एक्सपीरियंशियल लर्निंग। हमने बोला कि यूएसए से हम जा रहे हैं कि एक्सपीरियंस होगा सीखने के बाद। अच्छा ये कौन सा एक्सपीरियंस होगा नहीं पता, लेकिन हमारे पास कोई ऑप्शन वाकई में उस समय था नहीं। बाकी कहने की बातें हैं, नीचे आइए। सो दिस इज अगेन द प्रूफ ऑफ प्रैग्मेटिक एंड रॉ हैज डिड दिस टू मिटिगेट स्ट्रेटेजिक अनसर्टेनिटी। सर राव ने क्या हो? बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे, एक नहीं बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। अब मैंने आपको ये बात एक बार और भी शायद बताया था, मैंने नॉर्मली एक बार बताया था कि अभी आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो इकोनॉमिक्स के तौर पे डेवलपिंग और डेवलप का अलग अलग पैमाना है। बट मैंने दो चीज़ें उस समय बोली थी कि टारगेट भी डेवलप्ड कंट्री के लिए अलग होता है और डेवलपिंग कंट्री के लिए अलग होता है, जिसमें मैंने आपको बोला था कि चाइना हरामखोर और इंडिया जब जानबूझकर होता है कि सर कार्बन इमिशन कंट्रोल करिए, पॉल्यूशन कंट्रोल करिए, तो डेवलपिंग कंट्री देखिए बात बोलता है कि तुम डेवलप्ड हो तो तुमने तो पूरा यूटिलाइज कर लिया, हम उतना कैसे सर मेंटेन करें, तो हमको तो छूट मिलना चाहिए ना, इसलिए क्या बोलता है 2030 में फिर कितना 12% कर देंगे, अब सर फिर 2035 में गए तो 50% कर देंगे, तो पैमाना काफी अलग है। अब दो चीज, अमेरिका तो पहले से सर था, ये बात सबको पता था कि अमेरिका सुपर पावर तो है। अच्छा इंडिया के पास कोई ऑप्शन बचा नहीं है, राव ने एक ही बात बोला, ये दिखाता है कि सर हमारा फॉरेन पॉलिसी कितना प्रैक्टिकल है। हमने कोई बहानेबाजी भी नहीं किया सर, जो सिचुएशन था उसको प्रैक्टिकली एक्सेप्ट किया कि भाई ऐसा भी हमारे पास है नहीं और हमको यूएसए से जुड़ना पड़ेगा, ये दिखा रहा है। अच्छा यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी बोल सकते थे, जो हाल हुआ है यूक्रेन का, जो हाल और भी छोटे कंट्री का, वहां पे बोलते ये देख लेंगे हम, समझ रहे, फरिया लेंगे, अरे भाई क्या कर लोगे तुम, यहां समझ रहे, ये हुआ हवाबाजी, ये प्रैक्टिकल नहीं हुआ सर। प्रैक्टिकली अब आपको पता है कि अमेरिका के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा है, आप हवाबाजी नहीं किए। राव ने भी यही काम किया, उनको पता था हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, यूएसए से जुड़ना पड़ेगा, और हमने जुड़ा सर, हमने बाजी नहीं दिखा दिया। हाँ नहीं बोलते हम लोग ज्यादातर बोलते रहते हैं सोनी देओल में लड़ाई हुई या सलमान खान में तो के जीती, आम आदमी होता है मैंगो मैन तो सोचता रहता है कि सर किसमें जीतेगा। अच्छा ये पॉसिबल होगा कि नहीं होगा बाद की बात है, बट आम आदमी तो बहुत कुछ सोच लिया है, कहते सोनी देओल मुक्का मारी तो सीधा 2.5 किलो के बाद 10 आदमी नीचे। अच्छा सलमान खान का कुछ अलग अपना बोलेगा, अपना कुछ पक्ष रखेगा, बट एक्चुअली बात क्या है? बात सिंपल था ये है कि सर हमें पता है कि प्रैक्टिकली चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकली हम ये देखें कि यूएसए के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, चाहे आप कितना भी बोल लो कि हम मार के बम उड़ा देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, बट पता है औकात भाई कि कितना भी कुछ हो जाए लेकिन सर हम वाकई पीछे हैं। तो हमने एक्सेप्ट किया, खुशी खुशी एक्सेप्ट किया और हम उससे जुड़े भी। नीचे आइए। सो फ्रांस जापान इजराइल आज मेजर स्ट्रेटेजिक प्लेयर्स एंड इंडिया, क्योंकि यूएसए जुड़ने के बाद इंडिया सबसे भी जुड़ा। तो पहली बात सर, हमारा इकोनॉमिकली स्थिति ठीक ठाक नहीं था, और हमारा इकोनॉमिकली जब ठीक ठाक नहीं था तो हम किससे जुड़ रहे हैं? अमेरिका से। एक बार प्लीज जोर से बोलो यस और नो। अब दो चीज सर, अमेरिका से जुड़ने का हमारा कारण था हमारा देश का इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट हमारा था, हम उससे जोड़ लिए। अब दो तीन और चीज हुआ। अब सर अमेरिका से जुड़े तो अमेरिका जिसका, अमेरिका भी तो जुड़ा हुआ था, अमेरिका इसलिए तो बनाए थे नाटो, सियाटो, एंजूस, एंजूस समझ रहे हैं, तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए, तो ये तीनों मिलके था। और सर देखो एक बार सुन लो, ये पहले शुरुआत में आप लोगों को थोड़ा सा छोड़ा था लग रहा है मैंने, खैर कोई बात नहीं, देख लो इधर देख लो। जैसे ही सर कोल्ड वॉर शुरू हुआ, तो कोल्ड वॉर शुरू होने के बाद कुछ कांड भी शुरू हो गया,
इधर देख लो, पहला हर आपके नोट्स में पहले भी है, अब मैंने बताया था कि नहीं बताया था आपको, ध्यान में शायद होगा या नहीं होगा। देखो पहले इसने बनाया नाटो, अमेरिका ने क्या बना लिया नाटो, तो अमेरिका बोला नाटो बनाओ, तो नॉर्थ अटलांटिक के आसपास जितने सारे देश थे इनको पहले कैप्चर किया। अच्छा फिर बोला बनाओ सियाटो, तो साउथ ईस्ट एशिया में बनाया। फिर देखो फिर बोला एंजूस, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड और यूएसए, इसका तीनों के साथ बना लिया। अच्छा उसके बाद इधर भी बना लिया, फिर यहाँ पे सर यहाँ पे मिलके जापान के साथ बना लिया। अब सर आप देखो कर क्या रहा है ये, रसिया को चारों तरफ से घेरने की कोशिश नहीं है क्या? अब सर वो रसिया को घेर रहा है अलायंस बना के, और अलायंस मैंने पढ़ाया था बाय द वे, और मैंने बोला था कि अलायंस इज नथिंग बट टू शो द पावर डोमिनियंस, एक तरीका है पावर को शो करने का अलायंस के साथ कि सर हमारा इतना हमारा इतना। तो अलायंस इज नथिंग, बस आपको क्या है डोमिनेट करने का एक तरीका है। और अलायंस में क्या बोला था, हमेशा पावरफुल कंट्री ही किसी स्मॉल कंट्री को प्रपोज करेगा। अरे नहीं बोला था क्या? बोला था। तो सर अलायंस अगर प्रपोज कर रहा है तो इसमें सर पूरा का पूरा सियाटो, छोटे मोटे कंट्री जिसके अमेरिका के सामने कोई वैल्यू नहीं है, सर इधर सियाटो बना लिया, उधर सियाटो के साथ इधर एंजूस बना लिया, इधर नाटो बना लिया, रसिया को घेर लिया। अच्छा रसिया भी पागल नहीं है, रसिया बाद में जाकर समझ गया था इस बात को, रसिया ने वार्सो पैक्ट बना लिया। अब वार्सो से पैक्ट बना लिया ठीक है। अच्छा देखो वार्सो पैक्ट बनाया ये रहा रसिया, राजधानी इसका वार्सो आसपास, जहां पे वार्सो किसका राजधानी था पहले ही बताओ, पोलैंड का। अब सर पोलैंड देखो क्या दिमाग लगाया है ये, सर ये पोलैंड आपका यूरोप में चले गए, और यूरोप में जब आप गए तो दो चीजें हुई, नाटो का मेन जो आपका सबसे बढ़िया जो है उसका सपोर्टर कोई और नहीं, यूके वाला पार्ट आ गया, बोला कि सर हम उसी बीच में बैठेंगे भीड़ में, जहां पे जिधर से जो आएगा हम दोनों को टारगेट कर लेंगे। देखो और मैंने मैप में एक कैलिनग्राड पढ़ाया था आपको याद है, अब कैलिनग्राड एक ऐसा जगह था जहां पे वो बनाया था रसिया, सर रसिया ने अपना छोटा छोटा बेस बनाया ताकि यूरोप को और अमेरिका को चुपचाप बीच में टारगेट कर ले। अच्छा नाटो जब जब कुछ बोलता रहता है, अमेरिका उधर से रसिया उधर से कुछ ना कुछ बोल देता है, क्या बोलता है नॉर्मल एक ही बात, सर हमारा वार्सो पैक्ट के बाद ठीक है कैलिनग्राड ऐसे जगह पे है जहां से यूरोप को तबाह करना बहुत ही आसान है, और रसिया भी एक तरीके से घेरना शुरू किया, लेकिन बाद में रसिया समझ गया कि ये पैक टूट में कुछ रखा उखा नहीं है, सर अपने आप पे डेवलपमेंट कर लो। तो रसिया ने वार्सो पैक के बाद कोई और पैक नहीं बनाया, लेकिन अमेरिका को अभी भी इनसिक्योरिटी था, वो बनाया जा रहा है सर। अच्छा देखो जितना बना रहा था उतना नुकसान उसी का हो गया, रसिया बोला तू बना हम एक और को साथ लेके आते हैं चाइना को, अब सर चाइना और खतरनाक, तो रसिया क्या सोचा कि तुम पैक्ट बनाओ हम सर सपोर्टर ढूंढते हैं। सर ऐसा चाइना इतना खतरनाक निकला, सर अमेरिका का प्रैक्टिकली अगर मैं बात बोलूं तो रसिया से ज़्यादा अमेरिका को थोड़ा डर चाइना से लगता है, और उसके पीछे कारण है क्योंकि मैं बोला था ना कि 9th-10th के जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादा डेंजरस होते हैं कंपेरेटिवली मैच्योर्ड पर्सन से, क्योंकि मैच्योर्ड पर्सन जो ग्रेजुएशन में आ गया है उसको आप समझा सकते हो, 9th-10th जैसे समझोगे ना ना हम तो मार हम, सर इसको समझाओ क्या ये क्या बोले हम कुछ समझने को रेडी नहीं है, ये सर मार के रहेगा। सेम वही काम है चाइना का, चाइना नया नया सर उतावला पड़ रहे हैं। अच्छा रसिया सपोर्ट कर रहा है, रसिया का सपोर्ट खींच ले तो चाइना थोड़ा औकात में आ जाएगा, 9th-10th के बच्चे उड़ते इसलिए हैं क्योंकि उसका बड़ा भाई भी थोड़ा सपोर्ट कर रहा होता है, चल ठीक है जी ले अपनी जिंदगी। अच्छा बड़ा भाई ने थोड़ा हाथ हटा दिया अब अपने औकात में आ जाएगा ये, तो बोले अरे भैया कहाँ मतलब तुम रहो ना तब मारेंगे, तो नहीं होता है, बाकी मारना पीटना तो सर अलग बात है। दूसरा दो चीज ध्यान रखिएगा, जितना भी अमेरिका ने कोशिश किया है कि रसिया को टारगेट करे सर अमेरिका उतना ही फेलियर हुआ है, और आपको ये चीज आपको दिख चुका है कोल्ड वॉर के समय में कि वियतनाम हुआ चाहे अफगानिस्तान हुआ चाहे उसके बाद जहां भी कहीं गया है हर जगह से सर मुंह की खा के आया है कौन अमेरिका, और रसिया का कहीं ना कहीं कोल्ड जो वार है उस वार में रसिया का कहीं ना कहीं डोमिनेंस ज्यादा हो गया है। अब जरा नीचे आइए समझिए, पहला बात राव सिंपली सेड ओपन इकोनॉमी दैट मींस ग्रोथ थ्रू कैपिटलिज्म। अब हम फ्रांस से भी जुड़ रहे हैं इसराइल से भी जुड़ रहे हैं उधर हम जाके सभी से जुड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि अमेरिका भी बोल रहा है कि जाके उससे भी कॉन्टैक्ट करिए क्योंकि सबका पापा तो हम ही हैं, अमेरिका ऐसा मानता है, और वाकई सर बोला जाए देखा जाए तो जबरदस्ती है भी वो। लेकिन सर राव का इससे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन माना जाता है क्योंकि राव प्रैक्टिकली सोचे हवाबाजी नहीं सोचे और यूएसए के साथ अपना एंगेजमेंट वहाँ अच्छे से किया। सुन पा रहे हैं? अब राइट साइड में ना राइट साइड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। राव बिकम द पीएम एट अनसर्टेन इंटरनेशनल टाइम। अनसर्टेन क्यों था? क्योंकि सर एक तरह से तो यूएसएसआर का टूटना
जो कि हमें कुछ पता आइडिया लग नहीं रहा था। दूसरा सर उसके बाद होना कि इंडिया का इकोनॉमिक क्राइसिस एक ऐसे सिचुएशन पे था जहाँ से बनना बिगड़ना दोनों पॉइंट पे था, तो हमें ये डिसाइड करना था कि अगर हम सपोर्ट लेते हैं अमेरिका का तो हम आगे बढ़ जाएंगे, नहीं लेते हैं तो बहुत पीछे चले जाएंगे। नीचे आइए, विथ द एंडिंग ऑफ कोल्ड वॉर राव डायरेक्टेड इंडियन फॉरेन पॉलिसी टू अडॉप्ट रेडिकल चेंजेस। नीचे, राव इन्फ्यूज्ड ओपन इकोनॉमी एज ए की सोर्स ऑफ गाइडिंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इन्होंने क्या बोला, ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था जब अलायंस पढ़ा रहा था तब, कि अलायंस होने के लिए तीन चीज मैटर करता है, कॉमन वैल्यूज, अरे बोला था ना, तो एक इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल। इकोनॉमिकल में क्या बोला था कि एक जन अगर ओपन इकोनॉमी है तो दूसरे को भी होना चाहिए, मतलब ये बाहरी को अलाउ कर रहा है, बाहरी के साथ इंगेज कर रहा है तो दूसरा भी बाहरी के साथ इंगेज या अलाउ करना चाहिए। अच्छा, इंडिया अब जाके देखो ओपन हो चुका है। हम कोल्ड वॉर तक तो डर रहे थे ना, अरे हम कहां गए ना, अमेरिका के पास गए ना रशिया के पास गए, हम तो डर रहे थे। अब नरसिम्हा राव क्या बोल रहे हैं कि सर नाउ दिस इज द टाइम कि हमें अब अमेरिका की तरफ जाना पड़ेगा। सोचो, समय अब बदल चुका है, 1947 आजाद हुए हैं, बात हो रहा है 1993 का, लगभग 50 साल के करीब आ रहे हैं हम लोग। सुन पा रहे मेरी बात? और सर हिस्ट्री हमेशा रिपीट करता है, याद रखिएगा, बहुत पुराना डायलॉग है, इतिहास हमेशा अपने आप को दोहराता है। तो सर हम वहां पे तो है लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या जानबूझ के ऑप्शन से जुड़े कि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था। उस समय हमारे पास ऑप्शन था, या तो रशिया ज्वाइन करो या यूएसए ज्वाइन करो। अभी हमारे पास एक ही ऑप्शन था, ज्वाइन से इंपॉर्टेंट इंगेज होना था, क्योंकि अब हम सर डरे से हमें नहीं, कहीं ना कहीं अब हम भी हिम्मती हो चुके थे और ये बता चुके थे सर हम भी वार करते हैं, हम भी मारते हैं, खाली मार खाते नहीं हैं। हमने सर जवाब दिया और जवाब देने का फायदा हुआ ये कि हमारा ओपन इकोनॉमी हो गया और यूएसए के साथ हमने खूब अच्छा किया। नहीं चाहिए सर। अब दूसरा चीज है, रॉ रिसोर्टेड टू ए स्ट्रेटेजिक डाइवर्सिफिकेशन ड्यू टू अनसर्टेनिटी कॉज्ड बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। राव क्यों सबके पास गए, क्योंकि सर रशिया का टूट गया, सच बात है कि हमारा रशिया पे डिपेंडेंसी थोड़ा ज्यादा बढ़ भी गया था, और कुछ तो ये भी कहते हैं कि सर अच्छा हुआ कि रशिया टूटा, अदरवाइज हमारे लिए ज्यादा खतरनाक था। और करे क्यों, जब आप किसी एक पे डिपेंडेंट हो जाएंगे ना सर, तो सर एक पे अगर कंप्लीट आप डिपेंडेंट हो गए तो सर आपका फिर सुख दुख और सारा कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसी वजह से अगर हम रशिया पे कभी भी डेवलप हो गए, आजकल के आपको बताएंगे इंडिया ने भूटान को हेल्प किया, लेकिन भूटान को इंडिया भी बात बोला, डोंट पुट योर ऑल एग्स इन अ सिंगल बास्केट, मतलब आप अपना सारा कुछ मेरे पे डिपेंड मत रखो, कुछ और से भी इंगेज करते रहो। यही चीज इंडिया ने बांग्लादेश को भी सिखाया कि तू चाइना से भी जुड़ भाई, और मैं पढ़ाऊंगा वहां तो चाइना से भी जुड़, सिर्फ मेरे पे डिपेंडेंट मत रह, इसलिए क्योंकि फिर उसके बाद मेरा क्या होगा कालिया कुछ पता नहीं है, तू कम से कम अपना रहा। ये सर अच्छा नीति है, ये समझ पा रहे हैं, और यही आपको ध्यान में रखना है। रिलेशनशिप में ऐसा नहीं करना है ये, बट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको ध्यान में इधर रखना है, समझ में आ रहा है? नहीं तो सर गड़बड़ हो जाएगा फिर काम। अच्छा, जान मुझके रिलेशनशिप में होता है, इसलिए क्योंकि सर आप जिस एज में है उस एज में सबसे हॉट टॉपिक है ये, सबसे हॉट टॉपिक है, ठीक है। खैर नीचे आइए, रॉ डिपेंड इट्स टाई विथ यूएस एंड इट्स फ्रेंड्स अलाइज द लुकिस्ट पॉलिसी साउथ ईस्ट एशिया हैज टू सीन इन दिस लार्जर चेंजिंग स्ट्रेटेजिक कैनवस। हमने क्या बोला कि सर लुकिस्ट पॉलिसी तो देखेंगे, लेकिन लुकिस्ट पॉलिसी किसके लिए देखेंगे सर, अमेरिका के लिए देखेंगे, क्योंकि अमेरिका ने बना रखा है सियाटो साउथ ईस्ट एशिया, हम सबसे जुड़ेंगे जो अमेरिका जिस तरह से बोल रहा है, तो सर यहाँ पर भी प्रैक्टिकल बात है। अच्छा, एक और चीज़ आप लोग को थोड़ा बुरा लगता होगा तो लगे, लेकिन याद रखिएगा, जैसे बार बार क्वेश्चन बहुत बड़ा क्वेश्चन है जनरली कि सर एक दो साल तो पहले पढ़ लिया करो ठीक ढंग से, मतलब बाद में तो खैर कोई काम नहीं आना है, बाद में आपका कैरियर ही काम आना है, बाद में जो आपके साथ वो भी लात मार के निकल जाएगा, और ऐसा होता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, मैं बताया भी था। लेकिन अगर है तो रिलेशनशिप, मुझे लगता है पर्सनली जो लिखा भी है बहुत जगह आप सुने भी होंगे, बहुत लोग बोलते हैं, ऐसा होना चाहिए कि आप लोग में अंडरस्टैंडिंग उस लेवल का होना चाहिए कि सर आप जाओ रोड पर, अगर मान लो कोई दिख रहा है, आप लोग दो आदमी साथ में जा रहे हैं, हस्बैंड वाइफ हैं और आप जा रहे हैं, और मान लो या फिर कपल हैं, दोनों लागू है, कोई मान लो उधर से अगर सुंदर सी लड़की आ रही है, अच्छा तो अगर ये लड़की जो आपके साथ है, जो आपकी वाइफ और पार्टनर है, ये बोल रहे हैं कि और बता ठीक है, तो आप उसको सर कोई नहीं मार के कर रहे, अच्छा सेम दोनों पर लागू है, लड़का भी उधर से कोई एक बहुत प्यारा सा लड़का आ रहा है, आप इसको बोल रहे हैं और चलेगा। अब सर ये जो बोल रहे हो ना, ये इसमें क्या है ना, आपको कभी टेंशन नहीं होगा, मन मन में रह लोगे ना, तो लड़का भी ऐसे चलते चलते पीछे देखेगा, समझ रहे, अच्छा लड़की जा रही है वो भी पीछे देख ली, सर हो गया फिर वहाँ पे ख़राब। इसीलिए सर आपका अंडरस्टैंडिंग इस लेवल का होना चाहिए, अच्छा इतना होना चाहिए कि हाँ मतलब दोनों आराम से और हंस ले और बस मजे करके
और बोला नहीं नहीं तू ही ठीक है भाई, वो नहीं चाहिए। ठीक है, मतलब ये जो है ना एक लेवल का है कि बहुत आप ऊपर उठ चुके हैं इन सब चीज़ों से, बहुत अच्छे हो चुके हैं। लेकिन अगर जिसके मन में होगा ना सर खोट, वो जल्दी डिस्कशन नहीं करेगा, डिस्कशन जल्दी नहीं करते। यूजुअली कहा जाता है कि इसलिए शांत लोग थोड़े खतरनाक होते हैं, यूजुअली शांत लोग ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जैसे अजय देवगन है। तो पेज नंबर 72 पे आइएगा, लुकिस्ट पॉलिसी गुजराल डॉक्ट्राइन इज नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गुजराल अभी आगे पढ़ाऊंगा मैं इसके आगे। तो लुकिस्ट पॉलिसी एंड गुजराल डॉक्ट्राइन इज नथिंग बट फिलोसॉफिकल, ये सब एक फिलोसॉफिकल बात है सर, बाकी इसका ऑफिशियली कोई रिकॉर्ड नहीं। वहां देखो, दिस इज नॉट ए रिटन डॉक्यूमेंट, ये सब कुछ स्पीच में बोला गया है जिसको स्कॉलर्स ने देख कर सॉरी हवा दे दिया, बट किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में नहीं लिखा है। अब जरा नीचे आना, एग्जाम्पल 1993 में रॉ ने सिंगापुर में बोला था कि वी विल लुक ईस्ट, बट मीडिया एंड ऑल उसको लुकिस्ट पॉलिसी बना दिए। सर वहां सर जाके सिंगापुर में बता रहे थे, अच्छा कहाँ बता रहे थे, सिंगापुर। भैया याद है सिंगापुर, साउथ ईस्ट एशिया के करीबी हैं आप, लगभग उसी में है, करीब क्या है आप? यस सर करीब है, अरे साउथ ईस्ट एशिया में भाई, अरे समझ में। अब सर साउथ ईस्ट एशिया में आप क्या बोले लुकिस्ट पॉलिसी, सर आप वहां जाके यही बोलेंगे, आपने बोला लुकिस्ट। अब सर इंडिया के अकॉर्डिंग तो गए उधर ही लिस्ट में, और सर इसको मीडिया ने हवा दे दिया, बोला क्या लुकिस्ट पॉलिसी लाएंगे कौन, नरसिम्हा राव जैसे बाबा रामदेव लेके आएंगे, ऐसा च्यवनप्राश जो एक बार खाइए समझ में आ रहा है, और पूरा ठंडी जो है कोई दिक्कत नहीं होगा आपको ज़्यादा मजे लेने की जरूरत नहीं है कुणाल, ठीक है चलो आ जाओ नीचे। 1993 में राव ने सिंगापुर में बोला था लुकिस्ट, बट मीडिया ने उसको क्या हवा दे दिया। अब सर नीचे, सिमिलरली आई के गुजराल ने कहा था कि वी विल फोकस ऑन नेबरहुड एंड मेक स्टेबिलिटी ऑन ऑल, इसी को मीडिया ने गुजराल डॉक्ट्राइन बना दिया। गुजराल डॉक्ट्राइन, डॉक्ट्राइन मतलब होता है सिद्धांत, सर गुजराल का डॉक्ट्राइन बोला, सिंपल बात था भाई, उसको सिद्धांत में कन्वर्ट कर दिया। तो ये बेसिकली सर मीडिया के चक्कर में नहीं पड़िएगा। और आजकल मैं बार बार बोल रहा हूँ कि कुछ चीज़ें आप देखते आजकल नहीं है, आपको दिखाया वही जाता है, आप जो देख रहे हैं वो देख नहीं रहे हैं, एक्चुअली वो आपको बोला जा रहा है दिखाने के, वही दिख रहा है। आप देखोगे आजकल सर हैक हो, आप फोन में एक बार खाली सर्च करो कि सर मोबाइल चाहिए, हर जगह सर आपको मोबाइल मिलता जाएगा, वही वाला मोबाइल अमेजोन पे जाओगे वहां मिल जाएगा। आप एक बार सर्च करके देखो, आपका माइंड को सर कंट्रोल किया जा रहा है एकदम, आपके मोबाइल पे शो होते रहेगा, मैसेज आ जाएगा कि कब खरीद रहे हैं बताइए ना, अरे समझ में। जब तक नहीं खरीदिएगा तब तक सर अच्छा मस्त एकदम, मान लो आईफोन गलती से सर्च कर लिया देखने के लिए। अब कुछ लोग अमीर लोग हैं, लेकिन भाई अब मतलब ज़्यादातर लोग तो पहले देख ही लेते हैं कि कैसा है, देखा आगे पीछे देख लेते हैं। अब सर जब सर्च किए तो इतना बढ़िया बढ़िया फोटो आ रहा है आईफोन का सामने सामने, सर सामने वही तैर रहा है कि हम वन प्लस अब बेचे, अच्छा वन प्लस भी ख़राब होने हैं भाई देवे, क्यों, क्योंकि मेरे पास है समझ में। अब सर दो चीज़ें हुई, बहुत लोगों के पास है। अब सर एक बार सर्च किया पूरा चीज़ आने लगता है यार वहाँ पे, ऐसा अभी नोटिस किया कि नहीं किए, हर एक चीज़ आपके सामने आने लगेगा। आप अलमीरा सर्च किए सर अलमीरा ही अलमीरा, चारों तरफ दिमाग में ही चल रहा है अलमीरा, फोन उठाए फोन के ऊपर छोटा सा ऐड है उसमें भी लिखा हुआ है अलमीरा। और सर आप हैक्ड हैं, तो आजकल आप वो नहीं देख रहे हैं जो आप देखना चाहते हैं, जो दिखाया जा रहा है एक्चुअली आप वही देख रहे हैं। तो मीडिया का एक बहुत बड़ा आजकल इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट को बनाने में, गवर्नमेंट को गिराने में। और मीडिया सर वही बात है कि जिसकी मीडिया जितनी पावरफुल गवर्नमेंट उसके होने के चांसेस ज़्यादा है, इसलिए कहा जाता है राजनीति का दूसरा नाम मीडिया है। अरे समझ में, राजनीति का सर दूसरा नाम ही मीडिया है। तो जब आपको कुछ आईएएस एग्जाम एकदम तैयारी कर लीजिएगा, उसके बाद जब आपको दिक्कत लगे कि अब बहुत हो गया आईएएस का जॉब, तो सर कहीं नहीं जाइए मीडिया में घुसिए, ठीक है, वहाँ से फिर राजनीति में आप जल्दी आ सकते हैं, अरविंद केजरीवाल की तरह ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं आप। नोट, इंडिया में नो मिडिल पाथ इज फॉलो, अच्छा इधर इधर मैंने अभी बोला सर इंडिया में ना इधर, अच्छा सुन पा रहे हो सर, प्लीज एक बार जोर से बोला जाए सर, नो मैं रो दूंगा नहीं बोलोगे तो, अभी समझ में आते हैं। दो चीज़ है इंडिया में सर, दो चीज़ होता है, या तो बहुत हाई लेवल पे होगा या बहुत लो लेवल पे, मतलब आप अगर फेंकते भी है ना एकदम सर हाई लेवल होगा एकदम, और अगर आप उदास भी रहते खुश रहेंगे उस दिन खुश रहेगा, अरे बेटा ये वो खूब खुश, अच्छा दुख मर गया मर गया। सर आप इंडिया में क्या है, या तो बहुत एक्सट्रीम या बहुत लोएस्ट। और कमाल का बात है, बुद्धा कहाँ के, इंडिया के, और इन्होंने दिया है मिडिल पाथ। बुद्धा ने क्या दिया सर, हम भूल गए सब, हम मिडिल पाथ फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन सर बुद्धा मिडिल पाथ दिए जिसको पूरी दुनिया फॉलो करती है। और सर कमाल की बात है कि जहाँ से है इसलिए कहा जाता है घर की मुर्गी। अब सर दो चीज़ें हुआ, मिडिल पाथ सर फॉलो कोई करने वाला है, इसीलिए साइकोलॉजी के लिए कहा जाता है कि सर कोई आदमी बहुत ज़्यादा ना एक्साइटेड हो रहा है
ना बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है तो उसके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। मतलब ऐसा प्रूवन है, जैसे धोनी है मान लो, तो धोनी को देखो एकदम से बहुत ज़्यादा खुश नहीं मिलेगा, एकदम से बहुत ज़्यादा उदास भी नहीं मिलेगा, ठीक ठाक मॉडरेट एरिया में रहता है। अब सर आप बोलोगे सर विराट कोहली भी तो है, अरे भाई मेहनत नाम का भी चीज़ होता है, समझ में आ रहा है सर? वो बचपन से जो कोई 6 साल और 10 साल 15 साल से एक ही काम कर रहा है उसको रोकेगा कौन? विराट कोहली एक दिन का चीज़ थोड़ी है कि आप उसको बर्बाद कर दोगे सर। मेहनत है सर, मेहनत, और मेहनत के दम पे आया हुआ हो, मजाक नहीं है सर। कितना भी कोई बोल ले उसको कुछ भी, कोहली तो कोहली है भाई, ऐसा थोड़ी है, भले कैप्टन भी कह रहे बैट्समैन तो उससे बढ़िया कोई नहीं है, सुन पा रहे? तो बेसिकली मॉडरेट। अच्छा इधर क्रिकेट का नाम आते ही सर डिस्कशन शुरू हो जाता है। मॉडरेट में समझना, मॉडरेट मतलब क्या? बुद्धा ने मिडिल पाथ दिया कि बेटा ज़्यादा तेज नहीं, ज़्यादा कमजोर नहीं, आराम से रहने का। सर हम मिडिल पाथ भूल गए, पूरा दुनिया बुद्धिज्म को इतना प्रमोट कर दिया, सर इंडिया में बुद्धिज्म का वैल्यू ही नहीं। पहले बुद्ध भगवान जब करते थे और घूमते थे सब, देखो बुध जा रहा है, बुध जा रहा है सर बिहार में बदली, यही होता है। अच्छा जब बाहर चले गए और पॉपुलर हो गए सर भगवान बन गए, यहाँ बोले इस्तू बना, इस्तू बना और सर हम क्या बोले, हम उन्हीं को देख के एक्सट्रीम हो गए, जब वो कुछ नहीं कर रहे थे हमने बोल दिया बुधवा जा रहा है, पागल हो गया, तो कुछ उसका फैल नहीं दिया। जैसे ही बन गया अब सर सर पे चढ़ा लिया हमने, तो फिर यहाँ पे वो आदमी जो है उसके लिए भी हम एक्सट्रीम पे जा रहे हैं और लोएस्ट जा रहे हैं, क्या समझ में आ रहा है? तो सर बेसिकली चक्कर में नहीं पड़िएगा, दो बातें, स्कॉलर्स की बातों पे नहीं ध्यान देना है और मीडिया के सर इन्फ्लुएंस में नहीं आना है। पेज नंबर आइएगा 73, इसमें बहुत सारे पीएम के नाम स्किपिंग है, मैंने वही रखा है, दिमाग में रखिएगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और जिनका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा लार्ज स्केल पे फॉलो किया गया है। अब सर पेज नंबर 73 पे है आई के गुजराल, दिख रहा है आई के गुजराल? अब आई के गुजराल साहब हैं, उनका भी लिखा क्या, गुजराल डॉक्ट्राइन, दिख पा रहे हैं? बहुत बढ़िया। उसके बाद सर अप्रोच ऑफ फॉरेन पॉलिसी, मेरे अकॉर्डिंग, हालांकि मेरे अकॉर्डिंग क्या है, मेरे अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, तो आई के गुजराल का पॉलिसी आपको बहुत बहुत ज़्यादा दिमाग में रखना है क्योंकि अभी के कॉन्टेक्स्ट में इनका पॉलिसी सबसे ज़्यादा हिट करेगा, इसे थोड़ा दिमाग में रखना है। मैं इसका इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है आई के गुजराल साहब। पहला देखिए क्या बोले थे, फोकस ऑन नेबरहुड। सर पहला आदमी ये जो समझ गया था, इधर देखो ये आदमी ना सर 1993 की बात कर रहे थे हम, राव के समय में हम लोग करीब लगभग 2000 के करीब आ रहे हैं, अब 2000 से हम लगभग लेटेस्ट आ चुके हैं, हम सबका जन्म लगभग हो चुका है, मेरे पास समझ में आ रही है? अच्छा कुछ लोग पहले के होंगे तो बता देना, देखो कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन बता देना। मान लो कोई अगर 1980 का होगा मजाक कर रहा हूँ बट सुन लेना ध्यान से, सर ये हम अब क्लोज आ चुके हैं। और मैंने पढ़ाया था पाकिस्तान में, याद करो 1990 और 94-95 के बाद जैसी हारी उधर मेहमान मुजाहिदीन का बनना और अटैक ज़्यादा बढ़ जाना 2010, फिर 2000 या 1990 से लेकर 2010 तक सिचुएशन काफ़ी वोलेटाइल था, बस का उड़ना, ये अटैक वो अटैक, फलना ठिकाना। अब सर वन पीएम कौन दे रहे हैं, आई के गुजराल। तो आई के गुजराल के बाद समझ में आ गया कि फॉरेन पॉलिसी गया अभी तेल लेने, अभी भैया ना नेबरहुड को शांत करो। अच्छा देखो इन्होंने क्या गजब, मतलब ये होता है सर नॉलेज का, इन्होंने बोला, मैंने आपको पहले भी बोला था कि सर अगर दरवाजे के सामने कोई भूखा आदमी है, अगर आप उसको खाना नहीं दे रहे हैं तो सर समाज आपका अनस्टेबल हो जाएगा। इन्होंने यही बोला, हमारा नेबरहुड ठीक नहीं चल रहा है, नेबरहुड पे ध्यान देना पड़ेगा क्योंकि एक तरफ चाइना बौखला रहा है सर, दूसरा चाइना का भी तो अब राइजिंग होने वाला है। देखो सर चाइना भी राइज करने वाला है 2007-08 में ग्लोबल क्राइसिस के बाद, रसिया साथ साथ आने ही वाला है, तो सर चाइना एक तरफ आने वाला है, पाकिस्तान हरामखोरी कर ही रहा है, श्रीलंका भी हमारा ठीक ठाक नहीं काम कर रहा है, नेपाल का सर बात ही छोड़ो अभी। तो बेसिकली ये समझ चुके थे कि सर नेबरहुड को शांत करना पड़ेगा नहीं तो हमारे फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और ये बहुत देफ्त बात है। इसीलिए कहा जाता है कि घर में अगर घर शांत है, मैंने बोला था कल भी बोला था, घर शांत है तो बाहर का भी कितना भी जंग हो जीत जाइएगा, और घर में अशांति है ना तो बाहर कितना भी जंग बड़ा हो या हल्का हो आप हार जाएंगे। इसलिए सर आपकी एनर्जी घर से आप जब निकलते हैं और पूरा बच्चे फैमिली सब खुश है और वापस जाते हैं और घर से फिर घर की तरफ जो रुख आप करते हैं आप खुशी से रहते हैं क्योंकि सर घर पे सब ठीक ठाक है। अच्छा अगर बेटा ने बोला पापा झुंझुना ले ले आइए, अगर आप झुंझुना लेके नहीं पहुँचे तो फिर बेटा आपका झुंझुना बजाएगा, ये आप समझ लो, मतलब दो चीज़ें होगी, आपको डर लगेगा घर में घुसने से पहले। सर आप बाप है ना, बाप बन चुके हैं आप, और बाप होते हैं तो कुछ भी आपको बेटे से डर लगेगा, इसलिए लगेगा कि आप उसका ठेस नहीं पहुंचाना चाहते।
सेम नेबरहुड पॉलिसी का ये मतलब था कि सर अगर आस पड़ोस शांति नहीं रहा तो फिर हमारे पे ही असर पड़ेगा। और मैंने बोला था आपको पूरे वर्ल्ड में जिस देश में खाली वार और लड़ाई हुआ है वो स्टेबल नहीं हुआ है और ना ही कभी वो डेवलप जल्दी हुआ है। सर जम्मू कश्मीर भी उसमें से हमारा एक ऐसा राज था जो शिकार रहा है इनस्टेबिलिटी का, इसके कारण जम्मू कश्मीर उतना डेवलप नहीं हो पाया जितना कि और सारे राज्य। अफगानिस्तान में क्या मैंने बोला था, वार टॉर्न कंट्री, अरे बोला नहीं बोला था, लड़ाई होता चलेगा सर डेवलपमेंट। देखो पाकिस्तान में ऐसे लड़ाई होता रहा, कोई दिक्कत नहीं है, आज तक डेवलप नहीं हुआ। सर इंडिया इस बात को समझ गया था इस पर्टिकुलर चीज को कि नहीं बेटा जम्मू कश्मीर के मुद्दे इसको सुलझाने पड़ेगा, नहीं तो जम्मू कश्मीर सर डेवलप फिर नहीं कर पाएगा आगे और हमें उसको कब्जे में करना पड़ेगा किसी तरीके से। तो सर उस समय का अप्रोच, अच्छा बोला क्या गया, नेबरहुड को शांत रखो तब हमारा डेवलप होगा। और हमने बोल दिया नेबरहुड में कि सर जहां जहां लड़ाई हो रही है, जिस जिस राज्य में हमारा चल रहा है खलबली, इधर देख लो नॉर्थ ईस्ट स्टेट याद है, तो सर नॉर्थ ईस्ट स्टेट और जम्मू कश्मीर पीछे रह गया। क्यों पीछे रह गया सर, हमेशा से वोलेटाइल रहा, हमेशा से मारपीट झगड़े विवाद। सर पंजाब हरियाणा ज्यादा विवाद वाद बात का छोड़ो, बट सबसे कंपेरेटिवली बात यह है कि जो हाल जम्मू कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट स्टेट का है उतना बुरा हाल तो कोई और राज्य का नहीं हुआ। तो सर शांति और राज्य में है, लेकिन सर देखो सबसे कोना में और सबसे ऊपर अशांति अशांति। इसलिए बोलते हैं घर में कोना में भी पोछा लगाना चाहिए, जो सर कॉकरोच आ जाएगा समझ में आ रहा, नहीं तो पोछा ऊपर से मार देते हैं लोग, जहाँ तक पहुँचा वहीं तक मार दिया, कोना छूटा हुआ है, अरे समझ में, अरे नहीं बताइएगा करते हैं आप लोग। अच्छा मम्मी जब मारेगी तो कहेगी ये बाहर लो, मम्मी जब जिस दिन कह रहेगी उस दिन इतना सारा निकलेगा, कहेगी हर दिन बाहर में कर लो नहीं आई इतना सारा निकल गया आज। सर मम्मी माँ मतलब मम्मी मम्मी अब माँ से कितना भी कुछ कर लीजिए, आप कितना भी साफ सफाई रख लो, मम्मी ये कहेगी भाई साफ बा, भाई चार घंटा रगड़े तो ये कि भाई चार घंटा रगड़े हो तभी हाल है। सर ये भी बात है ना यार, मास्क मतलब कपड़ा साफ करे चाहे, सर गजब का चमकता है भाई, अपना पहचानी में नहीं, मेरा ही गंजी है कि कितनी पहचानी नहीं आ रहा है, इतना साफ कर दिया, अरे आप सर पिछले एक महीने से रगड़ रहे थे कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए बैचलर लाइफ में मुझे पता, हॉस्टल से आता था तो वही काम, कितना भी सर कुछ भी कर लो पहचान, अच्छा मैं दिखता था यार कौन आ गया किसका है, अपना मम्मी बोली अपना ही पहचान नहीं आ रहा है, इसलिए नहीं पहचान में आ रहा है कि बेटा तुम बहुत साफ रहते हो, समझ में आ रहा है, और आप कितना भी साफ रह लीजिए एक ही बात बोलते सारे की बात बोलेगी कितना गंदा रह लाई सर आप अपना भी रह लो, जबकि आने से पहले पूरा एफर्ट मारा जाता था कि मम्मी लोग बोले ना, मम्मी लोग डांटे ना कि गंदा कपड़ा, सर आप मैक्सिमम एफर्ट दे के आते थे और आते थे पहला बात एकर का हो देखा था नहीं कपड़ा में सब मौत है इतना बदबू। अब सर ये जैसे आपने बोला आपको यार इतना एफर्ट हो से मारे थे, हम लोग हॉस्टल में थे तो सब बच्चा एफर्ट मारता था कि मम्मी बस खाली ना बोले, तो रात रात सर एकदम रगड़ रहा है, साफ कर लिया, अच्छा सुबह में पापा आ गए लेने, भाई कितना भी रगड़ो, अब घर पहुँचने के बाद मम्मी एक ही बात बोलती थी कि तो और पूछो ना भी बेटा जितना कपड़ा पास सब ले ले आइयो साफ करके भेज दे तो मर जाए वैसे तू। आइए नीचे 73 आई के गुजरात का दो कॉन्सेप्ट था, नेबरहुड पॉलिसी पर ज्यादा फोकस ऑन नेबरहुड बिकॉज ग्रोथ थ्रू कैपिटलिज्म इज पॉसिबल ओनली व्हेन आवर नेबरहुड हैज स्टेबिलिटी। शांति से अगर आसपास हो ना माहौल में तो आपका ग्रोथ भी हो सकता है। आप जिस माहौल और सोसाइटी में रहते हैं वहां हर दिन लड़ाई झगड़ा होता है, मान लो सुबह उठे तब तक मछली वाला मारपीट कर रहा है, फिर सुबह उठे तब तक उधर दारू वाला मारपीट कर रहा है, सर मोहल्ले में चल रहा है उधर उस घाट में लड़ाई, कभी उस घाट में लड़ाई कभी इधर, सर दिमाग खराब हो जाएगा आपका और आप सर अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे। क्यों सर, इसलिए कहा जाता है कि जब आप रूम लेते हैं घर बनाते हैं तो थोड़ा ठीक ढंग से देख लिया करिए, समझ रहे आसपास की क्या चल रहा है, नहीं तो सर आप उठे सुबह देखे चप्पल चला रहे हैं भाई, शाम में सोने गए रात में भाड़ा निकाल लाठी निकाल चल रहा है, सर आप पागल हो जाओगे, ऐसा सीन हुआ है। और स्पेशली ज़्यादातर आर्मी ऑफिसर के साथ होता है, इसलिए कि वो तो बड़े डिसिप्लिन और एकांत में रहे हैं, अब रिटायरमेंट के बाद आते हैं सोचते हैं गांव पे जमीन है उसको घर बनाएंगे बढ़िया से, अच्छा बढ़िया से बना के रहना चाह रहे थे, लेकिन गांव के लोग शांति से रहने थे तब ना भाई, हर दिन सर कोई बोले क्या मेरा बोरा ले गया झोला के लिए लड़ाई हो रहा है बोरा के लिए लड़ाई हो रहा है, सर आदमी बोले यार क्या हो भाई कहाँ घर बना लिया, अब सर ये दिक्कत है मोतिया में बहुत सारा मोहल्ला है सर और आप लोग से बेहतर कौन जानता है, तो सुबह उठते उठते कहाँ कोई चल रहा है, शांति रखिएगा थोड़ा नीचे आइए। उसके बाद जम्मू कश्मीर में स्टेबिलिटी कम था इसलिए ग्रोथ क्या हुआ कम हुआ, सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी कम था तो ग्रोथ क्या हुआ कम हुआ। अब नीचे आइए अदर स्टेट्स
लेस वायलेंस एंड स्टेबिलिटी इज मोर सो दे डेवलप्ड। तो सर अदर स्टेट में वायलेंस कम था तो डेवलप कंपेरेटिवली ज्यादा कर गया। नीचे गुजराल, गुजराल का सर क्या है, सबसे पहले की टू इंडियाज ग्रोथ स्टेबल नेबरहुड। गुजराल ने एक ही बात बोला, अगर नेबरहुड शांत नहीं रहा, स्टेबल नहीं रहा, तो सर ग्रोथ करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। सुन पा रहे मेरी बात? दूसरा पॉइंट, व्हेन वी एंड आवर नेबर ग्रो देन स्टेबल इन्वायरमेंट। अगर हम और हमारा नेबर दोनों का ग्रोथ करेगा तो सर स्टेबिलिटी बढ़ेगा। अच्छा, इसलिए मैं बोलता हूँ आपको कि इंडिया है, श्रीलंका नीचे है। मैंने क्या बोला था कि घर के बगल में कोई गरीब है तो उसको दे दो। क्यों? क्योंकि सर आप दोनों जब अगर डेवलप करोगे तभी सर शांति स्थापित होने वाला है। नहीं तो मतलब कितना भी कोशिश कर लो, आपके पास हो सकता है रेंज रोवर हो, लेकिन उस गली में अगर किसी के पास कार भी नहीं है मान लो, और आपके पास रेंज रोवर है, इस बात को आप तय मानो कि वो स्टेबल इन्वायरमेंट नहीं होगा। तो आप बोलोगे सर हम क्या करें, सर हमारे पास रेंज रोवर है उसके पास नहीं, तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप मदद कर लो, आप मदद कर दो सर। अगर उसमें से किसी को जरूरत पड़ रहा है तब अपनी उसी गाड़ी से पहुंचा दो, तब समाज ठीक ठाक रहेगा, मैं बता दे रहा हूँ। नहीं तो सर पता है आपको बहुत सारे तरीके आते हैं सबको, समझ में, कोई कांटी हिला देगा, कुछ भी कर देगा, कुछ भी, इतना सारा कांटी, आओ आओ ये मैं आओ, इतना मोटा मोटा है सर, कितना भी रेंज रोवर लेके आओ, समझ में आ रहा है? नहीं कुछ को मार दिया, उधर पत्थर मार दिया, तो ऐसे लोग होते नहीं है। लेकिन सर समाज का जो है वो सच्चाई ये है कि एक आदमी खाली बढ़ेगा और आदमी नहीं बढ़ेंगे, तो होना लाजमी है, उसके अंदर होना लाजमी है। इसीलिए क्या बोला जाता है कि सर ये अमीर लोगों का जिम्मेदारी है कि कम से कम आप अगर किसी को दो रोटी दे देते हो तो तुम्हारा पीसफुल रह गया। अरे क्या लेके जाओगे यार भाई तुम, जब कोई अमीर है हम तो यही सोचते हैं कितना कहाँ लेके जाओगे तुम, अरे सोना खाओगे, पैसा खाओगे भाई, इंसान के साथ जुड़ो, सिंप्लिसिटी इसीलिए थोड़ा जरूरी है। बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है लेकिन बाद में समझ में आ जाता है। एक किताब है द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, एक किताब है, तो मतलब एक साधु जिसने अपना फरारी बेच दिया, तो इसका मीनिंग ये है कि सर वो बहुत अमीर था और बाद में के सारा कुछ बेच के दान करके और वापस अपने वो स्पिरिचुअलिटी में चला गया हो नॉर्मली। मेरी बात समझ में आ रही है? अब दो तीन बातें को ख्याल रखना है सर। आधा से ज़्यादा इधर लोग ये चीज़ें वो तो पहले सोचेंगे पहले फरारी तो हो। सर मोतिहारे में भी ऐसे नहीं है सर, अगर अभी आगे इनकम टैक्स का छापा अभी पड़ जाए ना ठीक ठाक ढंग से, बहुत लोग निकलेंगे उसमें से, समझ पा रहे हैं आप? रेड मूवी की तरह सर गिनने के लिए बुलाना पड़ेगा मशीन। मोतिहारी सर सबसे ब्लैक लिस्टेड एरिया में बता दूं आपको, मतलब पैसे के मामले में बहुत दबा के रखा है सब, कुछ लोग जमीन के अंदर गाड़ दिया है भाई, तुम लोग आज से खोदना शुरू करना नीचे घर मत खोदना बस। तीसरा है नेबरहुड शुड इंस्पायर फ्रॉम अदर, उनसे जिए मत बल्कि उससे सीखिए। इन्होंने क्या बोला कि नेबरहुड से भाई जलिए मत, सीखिए। अच्छा कुछ लेवल तक मैंने बोला इंसान का नेचर है जेलसनेस, वो कितना भी बोले हमको क्या फ़र्क पड़ता है, अच्छा वो जितना बोल रहा है हमको क्या फ़र्क पड़ता है, समझो उतना ही फ़र्क पड़ रहा है उसको, तो नेचर है। लेकिन सर एक लिमिटेड अमाउंट तक हो वो ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा जेलसनेस होना वो गलत बात है। अरे तो पढ़ लिया पूरा पॉलिटी, अब सर आपको जेलसनेस बताओ तो बोर्ड पढ़ ले लो, अब वैसा क्वेश्चन कुछ लेके आएगा समझ रहे क्या, बता ही नहीं पाओगे। अच्छा वो पढ़ ही इसलिए रहा था कि आपसे पूछे और आप नहीं बताओ, आप समझ रहे हो? तो उसका पढ़ने का नियत एक ही था कि हम पढ़ेंगे उसके लिए, अपने लिए नहीं, इसको डिमोरलाइज करना है, क्या कि बोल दिया है हम पढ़ लिए हैं सब। तो सर दो चीज़ ऐसा नहीं करना है, क्योंकि सर आप सोचो भाई पढ़ लिया खुश हो जाओ, अच्छा क्या हो गया चार आदमी आईएएस बन जाओगे, तो आप लोग यहाँ पे आपका कॉम्पिटिशन इतना ही से नहीं है सर। अरे आप जिस समय घूम रहे हो उस समय किसी कोने में कोई पढ़ रहा होगा यार, तो आप आपस में यहाँ से तो मिल के रहो, क्योंकि फायदा है यहाँ पे मिल के नहीं रहे ना तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी सर, बहुत ज़्यादा। तो आई के गुजरात का सबसे इम्पोर्टेंट क्या था नेबरहुड पे, कि नेबरहुड शांत होना चाहिए, क्या शांत शांत। दूसरा बोला कि सर नेबरहुड के साथ एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि आपको जेलसनेस नहीं होना चाहिए बल्कि नेबरहुड से आपको सीखना चाहिए कोई डेवलप कर रहा है तो। और अब्दुल कलाम का किताब आप लोग से पढ़वाया था तो उसमें देखना अब्दुल कलाम ने एक बात लिखा था कि हमें चाइना से सीखना चाहिए, पर कोई ध्यान दिए होगे तो उन्होंने, अगर नहीं दिए होगे तो कोई बात नहीं, उन्होंने बोला था कि हमें चाइना से सीखना चाहिए कि स्मॉल स्केल पे और लोकल लेवल पे बिजनेस कैसे किया जाता है, क्योंकि चाइना के घर घर में आपको एक एंटरप्रेन्योर मिल जाएगा, इतना ज़बरदस्त वहाँ पे सर लोन की फैसिलिटीज़ है कि सर मतलब बहुत गाँव बच्चा बच्चा सर उधर बना रहा है पेन लिखो फेंको टाइप, अलग अलग टाइप के इनोवेशन। इंडिया में तो 30 साल में बहुओ ही कहलाते हैं बहुओ, और 30 साल में बहुओ कहला रहे हैं आप, उस समय में पैसा आप ले रहे हैं, तो 30 साल तक बहुओ कहलेगा तो इनोवेशन कहाँ से होगा? इनोवेशन तो वही कर सकता है जिसमें इंडिपेंडेंस हो, जिसको मौका मिला हो और सर आज़ादी से एक्सप्लोर कर सके। नीचे आइए,
सो पहला बात गुजराल में क्या बोला कि, और दूसरा बोला कि आवर नेवर शुड बी, अगर साइलेंट होंगे तभी काम होगा। राइट साइड में पढ़िएगा जरा थोड़ा, ऊपर में एक शब्द लिखा होगा एल्ट्रुइस्टिक, दिख पा रहे, और नीचे होगा नॉन रेसिप्रोसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एल्ट्रुइस्टिक मतलब है कि सर किसी की मदद करना बिना स्वार्थ के, और नीचे है नॉन रेसिप्रोसिटी, आप उम्मीद नहीं कीजिए किसी से, अगर आप किसी से उम्मीद करते हैं तो पहले आप उसके लिए कुछ कीजिए। ज़्यादातर लोग सर एक दूसरे पर उम्मीद ही कर रहे हैं कि तू हमारा ना कही तो हम थोड़ा का करी, ये सर ये सब बहुत अच्छा है। फॉरेन पॉलिसी का फायदा है कि आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। सर आप उम्मीद क्या करते हो दूसरा से, यार आप ही कर लो भाई, पहले आप ही हाथ बढ़ा लो, और तो ना हम नहीं बढ़ाएंगे पहले हाथ, हम काहे मदद करें, हमसे रूठ के हो गया था उसको आना पड़ेगा, हम काहे जाए, आ बोलता मत जाओ वो कहीं और चला जाएगा, मत जाओ उसके बाद जाना हाथ लेके अपना। बेसिकली सर आप, मैं बताऊं, और ये सर्वे आप में, अच्छा ये सब चीज़ें आप एथिक्स मेन से ऐसे हर जगह यूज़ करेंगे, इसमें जितना भी शब्द देना था, ये जो मैं शब्द ज़्यादा बोलते हैं घुमा फिरा के सोशोलॉजी फिलोसफी और ये साइकोलॉजी, ये वो मिक्सअप है, ये खाली शब्द का देखिए ना, थॉट का खाली कमांड है और कुछ नहीं है। देखिए इधर आप सर कितना भी कोशिश कर लो, जैसे आप उम्मीद करते हैं कि पापा ये ला के देंगे वो ला के देंगे, या दोस्तों से भी आप उम्मीद करते हैं कि ये करेंगे वो करेंगे, सर जो उम्मीद आप दूसरों से करते हैं आप वो उम्मीद अपने से कर लीजिए, आपका काम आसान हो जाएगा। मेरे से भाई लोग पूछता है, जैसे भैया की शादी होने वाली थी, कजन ब्रदर, तो उन्होंने पूछा क्या, नॉर्मली पूछा कि बताओ शादी हो रही थी उनकी, तो बोले कि देख लेना कि मतलब कैसी है लड़की, अच्छा बोले कि मेरे से फ़ोन कर पूछा कैसी है, मैं बोला भाई असर गलत आदमी से पूछ लिया, बोले कि तुम जैसे हो भाई वैसा ही करे, क्या बात बात तो सही है भाई। अरे आप दुनिया का कोई भी कपल लेके आइए सामने, सर अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ पार्टनर ऐसी हो या ऐसा हो, आप ऐसा बन जाओ, आपको ऐसा मिल जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपको लगता है कि सर ऐसा होगा ऐसा, अरे पहले खुद बन जाओ, ताऊ खुद बन जाइए। आपको लगता है कि मेरा हस्बैंड मेरा बॉयफ्रेंड मेरा गर्लफ्रेंड ऐसा हो कि आईएस हो ये हो, सर बन जाइए, बी योर सेल्फ, आपको ऐसा मिल जाएगा। किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, नहीं तो आप पूछते रहिएगा कि कैसी है कैसी है सर कैसी है, करते करते जीवन आपका हो जाएगा नष्ट। क्यों? क्योंकि सर आपने अपने आप को ठीक नहीं किया, आप दूसरे से उम्मीद की मेरी भी वैसी हो, अच्छा घर में आए मतलब जॉब भी करे पैसा भी कमा के दे, फिर बात भी माने, ऑफिस में जाए तो लड़कों से बात ना करे, सारा गुण हो उसमें। सर ऐसा गुण जो को लेके आना कोई हो तो बताना। तो पेज नंबर 73 पे राइट साइड में आना, सबसे पहला आई के गुजराल स्ट्रेस दैट आई स्टेबल नेबरहुड विल लीड टू इंडिया प्रोग्रेस, ही आर्टिकुलेटेड दैट इंडिया शुड नॉट हैव एक्सपेक्टेशन फ्रॉम नेबर्स बट कंडक्ट फॉरेन पॉलिसी बेस्ड ऑन नॉन रेसिप्रोसिटी एंड अल्ट्रुइज्म। इन्होंने क्या बोला कि सर हमको उम्मीद नहीं करना है कि नेबर हमारे लिए क्या कर रहा है, हमें यह देखना है कि नेबरिंग कंट्री के लिए हम क्या कर रहे हैं। अच्छा इंदिरा गांधी के, आपको मैंने बोला था, इंदिरा गांधी ने क्या दिखाया कि अब हमारे लिए सेल्फ सफिशियंट हो चुका है तो हमको मदद करना चाहिए। क्यों? इंदिरा गांधी भी तो जान रही थी कि सर अगर स्टेबल नेबरहुड नहीं रहा तो पाकिस्तान उनको भी तो इस्तेमाल करेगा, चाइना भी इस्तेमाल करेगा, हर कोई इस्तेमाल करेगा उसको। जब आपके घर के घर में ठीक ठाक नहीं है, लड़ाई चल रहा है, तो बाहरी लोगों का हस्तक्षेप आ जाता है सर, और बाहरी लोगों का हस्तक्षेप एक बार आया तो आपका पूरा फैमिली बर्बाद होना तय। मैं बार बार आपको बताता हूँ, जो भी चीज शब्दों का भले आप जैसे है सर, उस सब का बात दिमाग में रखना। घर में कितना भी लड़ाई आपका भाई बहन का हो जाए, सर अपने में ही मुटाओ और सुलझाओ, अपने में ही रखो। किसी थर्ड पर्सन को आपने अगर इन्वॉल्वमेंट किया है तो सर दोनों का बर्बाद होना तय है। एक कहानी सुना है बिल्ली वाला, बिल्ली का जो जाते और बंदर से रोटी वाला, सुनोगे आप? तो सर वही बात है, थर्ड पर्सन को कभी सर इन्वॉल्व मत होने दो, अपने कंट्री के मामले में चाहे फैमिली के मैटर में, खुद से सुलझाओ सर, खुद से सुलझाओ। ऐसा कोई मसला नहीं है जो खुद से नहीं सुलझा सकते, और आयर अभी तक पढ़े होते कि बात तो जान गए हो आप कि सॉल्यूशन सिर्फ टॉक से हो सकता है, दूसरा और कोई तरीका नहीं है सर। बंदूक का जवाब लाठी का जवाब से कुछ नहीं होगा, आपको बात ही करके सुलझाना पड़ेगा। अरे नहीं बताया था क्या चाइना कॉन्फ्लिक्ट, बात, डोकलाम से लेकर जो भी चीज़ लद्दाख स्टैंड अप जो भी होगा, सबका सोल्यूशन बात ही है। लड़ाई लड़ाई से कुछ नहीं होगा, लड़ाई होगा तो वर्ल्ड बर्बाद। भाई भाई लोग लाठी से मार लेते, एक एक जम के लिए मारो, कपार फाड़ दिया, कोई कर दिया, अच्छा बुढ़ापे में देखना दोनों का दोस्ती लगेगा, वाह समझ रहे हैं राम लक्ष्मण, तो बोलेगा ज़्यादा देर नहीं 10-15 साल पहले के बात याद कर लो। सर यही तो प्रॉब्लम है कि आपको एहसास बाद में होता है, जब तक दोनों का जमीन बिक गया रहता, केस लड़ रहे थे दोनों आन बान शान, 4 कट्ठा इसका भी का, 5 कट्ठा उसका भी का, 3 साल बाद बोला कि ना भाई अब नहीं बेचेंगे,
अब बाहर सुलझाव कर लेंगे, कहा बाहर ही कर लेंगे, कोर्ट में जाने की जरूरत है, वो अकेले बोल रहा होता है पैसा दाएने से सर घिस गया चप्पल तारीख पे तारीख। और तब गांव वाला अच्छा पहला दिन जब केस जिसे लेते आते ना पहला दिन हमें देखना सर पूरा गमछा वमछा लेगा गाड़ी में बैठा रहेगा तगड़ा रहेगा एकदम पूरा कुर्ता पैजामा पूरा एकदम। एक महीने बाद देखोगे कुर्ता का गिरी जर गया उसको लगेगा बेकार केस कर लिए, जाके भाई से बोलेगा भाई माफ कर ये केसवा वापस ले दोबारा मिल के खाई जाए। सर ये चीज़ थोड़ा पहले आ जाए तो ज़्यादा ठीक है, कपार फटने से पहले हो तो ठीक रहेगा। पेज नंबर 74 वाजपेयी जी दिख रहे हैं तो अभी तक जो नाम पढ़े इधर मेरी तरफ देखना कोई उधर नहीं देखेगा, नाम बताना पहला कौन था जल्दी, सेकंड उसके बाद इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, नरसिम्हा राव, आई के गुजराल और अब आ रहे अटल बिहारी वाजपेयी। किस पे आ रहे हैं सर आप सोच के महसूस खुद करो, इसमें से अभी कोई ऐसा पीएम आपको लग रहा है पर्सनली कि कोई पीएम पर्सनली अपने आप को दिखाना चाहता है कि हम बहुत ज़्यादा हैं? सर आम आदमी का परसेप्शन बना रहता है बीजेपी पार्टी का है ये पीएम अच्छा था, कांग्रेस पार्टी का हो पीएम अच्छा था, आप समझ रहे हैं सर आप टोटली चेंज हो गए। इसलिए मैंने बोला कि इस कोर्स के बाद आप मैंगो मैन नहीं रह जाएंगे सर, अलग हो जाएंगे, ऑरेंज मैन भी नहीं रहेंगे आप, बेसिकली आप वो इंसान हो जाएंगे जो आईएएस के लिए ज़रूरी, और वो आपको सर परसेप्शन चेंज करना पड़ेगा। और आईएएस का ब्यूटी ये है, आईएएस के तो इसलिए नहीं करना चाहिए कि आईएएस करना है या नहीं करना है, आईएएस के तो इसलिए करना चाहिए क्योंकि टफ है, और जो टफ है उसके लिए लड़ो, जो टफ है उसके लिए लड़ो, बस बात खत्म, बीच में गिव अप मत करो, जो टफ उसके लिए। सर कुछ लोग बोले ना सोच लेते हैं हमसे होगा नहीं क्या ऐसा ही कर लेते हैं, अरे जो टफ है उसके लिए लड़ो आप, क्योंकि उस प्रोसेस में जो हो जाओगे आप आईआईटी और उस तरह से एग्जाम का तैयारी या जो भी चीज़ करते हैं, तो लोग बोलते हैं ना कि साइंस मत लो, ठीक है साइंस नहीं लेना चाहिए बात सही है, लेकिन अगर आप थोड़े भी ठीक हो तो साइंस लो, इसलिए कि टफ प्रोसेस को अगर आप झेल गए तो नॉर्मल उससे तो आप ऐसे ही झेल जाओगे, इसलिए लेना चाहिए, इसलिए नहीं कि हाँ बाकी फिर भी आप सही टाइम पे ले, तो उसी तरह से आइए सर इसलिए तैयारी करो क्योंकि ये टफ है और टफ के साथ नजर मिला के करो, भागो मत नहीं तो जीवन भर भागते रहोगे, नहीं चाहिए। सर मनमोहन सिंह नहीं अभी कौन सा आएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी, और वाजपेयी जी का नाम लगभग सब लोग तो ठीक ठाक सुन रहे हैं क्योंकि इस समय तक लगभग सब होश संभाल चुके थे और सब माता पिता बन गए थे, नहीं नहीं माता पिता नहीं बने ये थोड़ा ज़्यादा हो गया नहीं चाहिए 74 तो क्या सर वाजपेयी इन अप्रोच ऑफ फॉरेन पॉलिसी अप्रोच, ठीक है। तो वाजपेयी का पहला इंडियन ग्लोबल पावर एस्पिरेशन, एस्पिरेशन बाय डिस्प्ले ऑफ कैपेबिलिटी लाइक गोइंग फॉर पीसफुल न्यूक्लियर वेपन। सर यहाँ पे फिर हमारा देखो पीसफुल न्यूक्लियर वेपन हम फिर यहाँ शुरू किए, वाजपेयी जी के समय एग्जीक्यूट हुआ है आकर फाइनली, लेकिन क्या आपको लगता है कि वाजपेयी जी के समय ही न्यूक्लियर वेपन का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था? नहीं सर, पिछले उतने सारे पीएम के बाद तब आकर यहाँ दूसरा पीएम पे आके एग्जीक्यूट हुआ है, तो कोई प्लान एक दिन में सर ऐसे शुरू होकर एक दिन में खत्म नहीं हो जाता, पहले चला था अब यहाँ तक आया है, तो सर अब वाजपेयी जी के समय आया तो बहुत अच्छा बात है। जरा नीचे आइए, पहली बात इंडियन डायस्पोरा, याद है डायस्पोरा क्या बोला था, मिनिमम 2 जनरेशन, और जब मैं बोलूं इंडियन डायस्पोरा मतलब इंडिया के लोग कहीं और देश में रह रहे हैं उसको क्या बोले, इंडियन डायस्पोरा, मिनिमम कितना जनरेशन 2। सर देखो बीजेपी और कांग्रेस पार्टी का हमें मतलब नहीं है, लेकिन आपको याद रखना है, देख लो इधर आएगा आएगा आंधी भी आएगा बारिश भी आएगा बस हम ऐसे इधर पश्चिम की तरह मुंह करके हवा मत खाइए, सर बारिश आएगा आप धैर्य रखिए प्लीज पढ़ लीजिए, तो दो चीज ध्यान रखिएगा, सुन पा रहे हो ठीक है मतलब कुछ लोग तक कुछ आने वाला है उधर से तो बीजेपी जो है वो ज्यादातर सर देखिएगा तो इंडियन डायस्पोरा को बहुत फेवर करती है, मतलब इंडिया के वो सारे लोग जो किसी दूसरे दे रह रहे हैं मिनिमम 2 जनरेशन ज्यादा बीजेपी गवर्नमेंट हमेशा जाती है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो चाहे मोदी जी हो, चाहे बीजेपी का एक अपना कॉन्सेप्ट है, हर पार्टी का एक अपना सिद्धांत होता है, कांग्रेस उतना ज्यादा डायस्पोरा से इन्फ्लुएंस नहीं होती है, बहुत समिच नॉर्मल उसका स्टैंड न्यूट्रल स्टैंड रहा है, लेकिन आप बीजेपी को देखेंगे ना तो बीजेपी का लगभग हर लीडर जाएगा सर विदेश में और वहां के इंडियन लोगों को बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा, और ये चीज अच्छा है, हर पार्टी का कोई चीज अच्छा होता है कोई चीज बुरा होता है, अब सर पार्टी का ये चीज अच्छा इसलिए क्योंकि सर उनको कम से कम ये फीलिंग तो ना हो भाई अपन इंडिया के नागरिकता लेके रखे हुए हैं, अभी तो हम किसी और के हुए नहीं है और नागरिकता ले भी लिए तो आपका सर ओरिजिन तो कहाँ का है, इंडिया का,
और अब जाते हैं तो सर बहुत बड़ा असर पड़ता है, छोटा असर नहीं पड़ता है। आप वहां जाते हैं तो बहुत बड़ा असर पड़ता है, और ये तो आपको सर मोदी को देखकर वहां का लोगों का रिस्पांस देख के पता चल जाएगा। और बहुत अगर और रिस्पांस देखना है तो इंडिया का मैच देख लीजिए आप। जब मैच होता है सर तो सर निकलेगा सर बिल में सर कहां कहां से इंडियन झंडा लेके। अच्छा मैं ये सोचता रहता हूं बार बार कि उन लोगों को वहां पे इंडियन झंडा मिल कहां से जाता है, मतलब कभी कभी मैं ये सोचता हूं, लेकिन फिर बाद में पता चला कि नहीं बनाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि वहां पे हर जगह क्या है सर, इंडिया में जिस तरह से है हर झंडे अगर मिल सकते हैं तो अमेरिका में भी हर झंडा मिल सकता है, अमेरिका रोकेगा थोड़ी ना। बस यही है कि सर उसका झंडा उतार के अपना मत लगा दीजिए, ये तो तकलीफ हो जाएगा। इंडिया का लगा पिकेट टूल हो गया, निकाल इसको। इसलिए सर इंडिया में सर इसलिए सर पाउच का कॉन्सेप्ट चलता है। यहाँ में बस सस्ता वाला पी लिया और सर जाके जिसका झंडा था उसको निकाल के अपने लगा दिया। अब ये सर बड़ा मार मारेगा वो लोग। तो खैर नीचे आ जाइए, बीजेपी फेवर करती है किसको, इंडिया पोरा को। वहां पे ब्रैकेट में लिखा हुआ है, हाँ ना, अब इंडियन डायस्पोरा को ज्यादा बीजेपी कर रही है, कांग्रेस न्यूट्रल स्टैंड है, कांग्रेस ज्यादा नहीं कर रही है। नीचे दूसरा, दैट्स व्हाई इंडियन डायस्पोरा वाज फोकस्ड इन इंडियन फॉरेन पॉलिसी। इधर इसीलिए जब कोई पार्टी का पीएम आता है तो आप ये समझ लीजिए कि बीजेपी का आया तो इंडियन डायस्पोरा खुश हो जाता है, उसको पता है कि इंडियन डायस्पोरा को बहुत ज्यादा वैल्यूज और फॉरेन पॉलिसी में उसको जिक्र बार बार किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस का जैसी सरकार बना तो सर समझा जाता है इधर कि फॉरेन पॉलिसी ठीक है, न्यूट्रल रहे, हमें ज्यादा कुछ मिलने वाला नहीं है, तो ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे आइए, 2001 कब का बात है, 2001। और सर मैंने बोला था आपको म्यांमार में फिर पढ़ाऊंगा, और लादेन का जो अटैक हुआ था, अरे बताया नहीं था अलकायदा वाला, तो कब अटैक किया था अमेरिका पे, 2001 में कि 2000 में, 2001 में भैया। अच्छा 2001 में जैसे ही अटैक कर दिया, दो चीजें अब सिचुएशन सोचो, 2001 में अटैक होना, अमेरिका भी परेशान, और सर 2001 में हम लोग इधर अपना भी सिचुएशन को मतलब पूरा इंटरनेशनली विजुअलाइज करो। 2001 में देखो क्या बोल रहे हैं, यूएसए इनवाइटेड इंडिया टू अफगानिस्तान एंड दिस इज द साइन ऑफ इंडिया राइजिंग पावर एंड स्टेचर। तो मैंने बताया था उधर मेडिकल डिप्लोमेसी, हेरात, कंधार और सारा कुछ बताया था आपको, और वहां पे मजारे से ही सर बुलाया, किसने, आइए सर यहाँ पे हम डेमोक्रेसी ला रहे हैं। आप गए वहां पे और सर डेमोक्रेसी का आपको याद ही हामिद कर, वोट दो, वोट दिलवा लिया, डेमोक्रेसी सर, वो डेमोक्रेसी था कि इम्पोज डेमोक्रेसी था, जबरदस्ती का डेमोक्रेसी था। और सर ये भी तो दिखाता है कि सर अगर अमेरिका इन्वाइट कर रहा है, अच्छा बात कर रहे हैं कब की, 2001 की, अभी तक रसिया वापस तो उठा नहीं है, अभी रसिया 2007-08 में फिर उठना शुरू करेगा, तो 2001 तक हम लोग आ चुके हैं और 2001 में हमको अमेरिका बुला रहा है। इसलिए बुला रहा है क्योंकि सर मैंने बोला अमेरिका कभी भी किसी के साथ जुड़ता है तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए, दूसरा उसका कोई कभी मोटिव नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्यों बुलाया, पहले तो नहीं बुलाया था, अभी क्यों बुलाया, क्योंकि सर हमारे ये दिखाता है कि पावर स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा बढ़ चुका है, है ना। और सर ये हमारे फॉरेन पॉलिसी का नतीजा है। ज़रा नीचे आइए, अब आइए सर नीचे, दूसरा है डिलीवरिंग ड्यूरिंग वाजपेयी सिचुएशन वाज आल्सो वेरी अनसर्टेन लाइक राव। बात सही है सर, वाजपेयी के समय भी सिचुएशन इसलिए अनसर्टेन था, उसके पीछे बहुत सारा कारण था, क्योंकि अभी भी रसिया संभला नहीं था, यूएसए अपने आप को डोमिनेट समझ ही रहा था, और अभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन और सबकी बात चली रही थी, प्लस वाजपेयी जी के समय बहुत अंदर ही पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बहुत जबरदस्त लेवल पे चल रही थी, अंदर ही सर घमासान मचा हुआ था। नीचे आइए, बिकॉज 1991 से 2000 क्या है, यूनिपोलर वर्ल्ड था, दूसरा रिसर्जेंट रसिया का आना था, अब कैसा आएगा क्या आएगा, बट इसके बावजूद आवर फॉरेन पॉलिसी वाज इफेक्टिव, दैट इज अ साइन ऑफ मैच्योर पावर। अब सर देखो हमें ये भी डर लग रहा था कि क्या पता रसिया जैसा पहले था अब दोबारा वैसे हो क्या गनेगा, इस बात की क्या गारंटी है, क्योंकि उसके साथ तो बहुत सारे देश अलग हो जाएंगे, बहुत सारे देश मिलेंगे, उसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, हाँ है ना। तो सर अटल बिहारी वाजपेयी का भी कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा था, और याद करो एक बात मैंने बोला था, अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान से पढ़ाया था, उन्होंने जाके बोला था कि नहीं पाकिस्तान भाई तुमको हम मानते हैं, और मैंने बोला था कि जम्मू कश्मीर और पाकिस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी का इज्जत ज़्यादा होता था, नहीं बताया था क्या, बताया था। और सर इंडियन डायस्पोरा को फेवर करने में बहुत अच्छा आंसर था। अच्छा अटल बिहारी वाजपेयी भले ही पाकिस्तान को वहाँ जाके बोले हों, लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने वहाँ के लोग जो इंडिया के लोग जो वहाँ पे भी बसिंदे बसे हुए थे उनको भी बोल देते थे टेंशन मत लो, समझ में आ रहे है? आएंगे हम। तो ये जो बहुत अच्छा तरीका है सर, अगर कोई पीएम कहीं पे चल जाए ना और वहाँ पे जाए तो लोग जो नाराज हैं या जो गुस्से हैं थोड़ा भी मतभेद है, देखते देखते सारा ठीक ठाक हो जाता है। यही सेम काम आपको भी रखना है, परिवार में जब किसी से झगड़ा हो जाए तो सामने चले जाओ,
मन मुटाव ना रखो, सामने चले जाओ बस, चल जाओ सब ठीक हो जाएगा यार, नीचे आओ। इस दुनिया में सब याद रखिए, नाराज होने वाले बहुत हैं, गले लगाने वाले मनाने वाले बड़े कम हैं। तो नाराजगी सबको हो जाती है, बट सर आप कोशिश करिए कि नाराज ना करें अपने को स्पेशली। तो अपने को गले लगाना सीखिए, बाकी नाराजगी तो सर दुनिया ठेका लेकर रखी है, कुछ छोटा सा बात पर नाराज होगा, हाँ हम नहीं जाएंगे, तो आप नाराज ना होइए, क्योंकि बहुत कम सर, बहुत अभी का लाइफ में सर, अभी आपको बार बार बोलो ना, ये एक पैसेज भी आपको यूपीएससी में जो पूछेगा, बहुत कम टेम्पररी सर टॉलरेंस है, बहुत कम टॉलरेंस है आजकल लोगों के पास, बहुत कम सहने की क्षमता है, बहुत कम, बात बात में गुस्सा हो जाएंगे, बात बात में, तो थोड़ा सा कम रखिएगा। लास्ट राइट साइड में ये, वाजपेयी आर्टिकुलेटेड ए ग्लोबल पावर एस्पिरेशन फॉर इंडिया, ऑल्सो टेस्टेड इंडियाज न्यूक्लियर वेपन दैट असर्टेड द ग्रोइंग पावर स्टेटस, इंगेजमेंट विथ यूएसए वाज स्ट्रेंथेंड टू एंश्योर दैट इंडियाज ग्लोबल फुटप्रिंट इन लार्जेस्ट। मतलब यूएसए ने हमको इन्वाइट किया, इसका मतलब ये है कि हमारा कहीं ना कहीं औकात जो है बढ़ चुका है। नीचे एंड देन दिस मैनिफेस्टेड इन यूएसए टू इन्वाइट इंडिया टू प्ले ए कॉन्स्ट्रक्टिव रोल इन अफगानिस्तान। तो इंगेजमेंट विथ यूएसए सर, आप सोचो अगर राव यूएसए के साथ नहीं जुड़े होते तो कहीं ना कहीं शायद हमको अमेरिका इन्वाइट करने से रहता, आप सोचिए। तो एक पीएम का काम छोड़ के अगर दूसरा कोई बना है तो हर पीएम सर अपना नहीं सोच रहा है, सिर्फ किसका सोच रहा है, देश का। और आपको अब जाके लॉजिक क्लियर होगा, इसलिए आप लोग आम आदमी जो डिस्कशन करते रहते हैं कांग्रेस बीजेपी, अब नहीं कर पाएंगे। आईएएस में और नेतागिरी में क्या फर्क है पता है? बस इतना धागे भर का फर्क होता है, और वही डिसाइड करता है कि इसके बाद आप क्या बनेंगे। आईएएस का आदमी जो भी बोलेगा वो पार्टी संबंधित बात नहीं बोलेगा, और राजनीति है वो सिर्फ एक पार्टी या फिर आदमी के तहत बात बोलेगा, बस सबसे बड़ा डिफरेंस है। आईएएस हमेशा सबकी सोचेगा, पार्टी का आदमी हमेशा अपना सोचेगा। तो आप सर वो दिमाग में रखिएगा। पेज नंबर आईएएस 75। अच्छा बाय द वे ये मैं पढ़ा क्या रहा हूँ? फॉरेन पॉलिसी। अभी मैं नेबरहुड पॉलिसी नहीं पढ़ाया हूँ, अभी नेबरहुड पॉलिसी अलग चलेगा, मतलब नेबरहुड पॉलिसी भी जवाहरलाल नेहरू से लेकर और यहाँ तक चलेगा, मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब मनमोहन सिंह पे हम करीब आ गए। मनमोहन सिंह को जानते हैं ना? जानते, अभी वोट देने भी गए थे, देखिए मुर्मू को जिता दिए। तो जरा आइए पेज नंबर 75 पे और समझिएगा थोड़ा। मनमोहन सिंह पहला वर्ड देखो, पहला सेंटेंस आपको पता चलेगा, बहुत अच्छा सेंटेंस है। पहला है कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ग्लोबल पावर एस्पिरेशन आफ्टर वाजपेयी, या फिर एज वाजपेयी डिड। जैसा वाजपेयी ने कॉन्ट्रीब्यूट किया वैसा ही किसने कॉन्ट्रीब्यूट किया? मनमोहन सिंह ने। तो सर क्या दिखाता है कि मनमोहन सिंह कांग्रेस के थे? अरे ना सर, देश के थे। जाइए नीचे दूसरा पॉइंट से पहले, 2005 में इंडिया यूएसए साइंड न्यूक्लियर डील, मतलब वी नॉट साइन ऑन न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, उसके बावजूद भी यूएसए हैज एक्सेप्टेड अस। न्यूक्लियर डील के समय एस जयशंकर ही राजदूत थे उस समय, जो आज आपके विदेश मंत्री हैं। तो सर एस जयशंकर का नाता बड़ा पुराना है, और एस जयशंकर का नाम आपको आजकल जो आए दिन सुनने को मिलता है, तो कोई भी आदमी का इतिहास आपको एक दिन में सुनने को नहीं मिल जाता है, पीछे बड़ा होता है। समझ में आ रहा है भाई? सारे इधर साइड कर लीजिए, जान उसके खिड़कियां लगाए कि पानी हवा सब पंचतंत्र मिलते रहे आपको, ठीक है? इसलिए कि आपको जो है नहीं होता है तो जस्टिफाई कर दो, जब नहीं है तो क्या करोगे, जस्टिफाई कर लो, बात खत्म है। अगर रहता तो लगा लेते, आना जाओ नेक्स्ट। खैर आपको दिक्कत हो तो फिर हम कुछ ना कुछ इलाज कर ही लेंगे। दो चीज, वाह इसी का इंतजार कर रहे थे आप लोग। हमको तब तक बोल रहा था। अच्छा अभी तक कुछ देर पहले खिड़की में ऐसे कर रहे थे, अब खिड़की से तो क्या बताता है कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं होता है। समझ में आ रहा है? अभी क्या है, माटी के बने तो माटी में मिल जाइएगा। इधर कर लीजिए, यहाँ बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं, इधर आ जाइए, क्यों भीग ना फालतू में, इधर आ जाइए, बैठ जाइए इधर। अच्छा बाय द वे उधर जो चेयर होगा चेयर भी खींच दीजिएगा, वो भी भींगता है, मतलब कोशिश करना कि खींच देना। ओ भैया चलो कोई बात नहीं, पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, बस लास्ट है। अच्छा अभी छोड़ दूँ, अभी चले जाएंगे आप? नहीं आप लोग, अच्छा वो लौंडे लफाड़े तो बोल रहे हैं कि छोड़ दो, मतलब क्यों सर नहाते चले जाएंगे, हमको क्या दिक्कत है। एक काम करिए इधर आ जाइए, सब इधर आ जाइए, आ जाओ इधर आ जाओ, कोई बात नहीं बैटरी, आ जाओ इधर आ जाओ इधर आ जाओ।
अच्छा रहने दे, ये बोले रहने दो, इसको कर दीजिए। नहीं उससे और नुकसान ही होगा। चलो कोई बात नहीं। अच्छा कितने लोग, मतलब कितने लोग 22 में जाना चाहते हैं, ईमानदारी से हाथ खड़े कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 यार मैं बता देता हूँ, अभी मुझे जाने का मन कर। खैर देख लो, थोड़ा पढ़ लेते हैं फिर चलेंगे। आ जाओ नीचे देख लो, हो गया शांत हो गया। अच्छा चलो इस बात, मुझे एक बात याद आ गया, थोड़ा ज्ञान थोड़ा सा दे देते हैं आपको, सुन लो। लाइफ में जब भी कभी मतलब आपको स्ट्रेस हो तो पानी के सामने देखो, आप क्या कर, कितना भी स्ट्रेस में हो आप अभी कभी फेस में पानी मार के देखना, आपको हमेशा से जितना रिलैक्स मिलेगा ना उतना कभी रिलैक्स नहीं मिलेगा, चाहे आप एसी का पानी मारो चाहे कुछ, खाली पानी मार के देखो। इसलिए हमारा बॉडी जो बनाया जिस नेचुरल चीज है ना, जो पंच तंत्र बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पंच तंत्र, तो जब पंच तत्व जो है आप जब भी इसके संपर्क में जाइएगा ना आपको बहुत अच्छा होगा। जैसे सर आपको, हम लोग को आदत हो गया घास पे थोड़ा सा खाली कभी चलिए, आप मिट्टी से आप पानी अपने चेहरे पे मारिए, इतना सर आपको रिलैक्स मिलेगा कि आपको उसके अलावा सर आप कितना भी जड़ी बूटी ये सब पियो उससे कुछ नहीं होगा। तो ये इंसान का नेचर है कि जब भी कभी स्ट्रेस आपको, अब मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ, और ऐसा ये कोई और नहीं, ये बहुत लोग बोल चुके हैं, इनफैक्ट हमारे देश के पीएम बोल चुके हैं, तो बहुत अच्छा चीज़ है और सही है, बड़े बड़े विद्वानी बोल चुके हैं, तो फिर पीएम क्या चीज़ है। तो सर दो चीज़ है, जब भी कभी ये स्ट्रेस आपको हो ना, तो जैसे समुद्र के किनारे अगर है कहीं, यहाँ तो आपके पास मोतीझील के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो अगर जा सकते हैं तो चले जाइए आप। समझ में आ रहा है? अच्छा भाई देखो, इधर वहां से गुजरना अलग बात है और जाना अलग बात है, इस बात को समझ लो, नहीं तो सर हर दिन तो जैवे करते तो बोलेगा घर में उधर हमारा। रिलैक्स रहिए और पंच तत्व से मिलने की कोशिश करिए। हमारे लाइफ में अभी देखिएगा ना, तो मिट्टी का संपर्क बड़ा कम हो गया है हमें, समझ पा रहे हैं? तो मिट्टी का संपर्क कम हो गया है तो सर आपके बॉडी के वीकनेसेस भी ज्यादा हो गए, इसलिए थोड़ा सा आप जाके जो है नॉर्मली चप्पल उप्पल हटा के फ्रीली करिए, कॉन्टैक्ट रखा है बनाए रखिए। उसके बाद सर एयर, वाटर और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और सॉइल, एटलीस्ट ये तीन चीज कर लीजिए, आगे आग भी है तो आग पे मत खेलिएगा, ये तो कभी मन करे तो बस मम्मी का जो छोलनी होता है छोलनी दिखा के पूरा दाग लीजिए, ठीक है, और सब बराबर हो जाएगा उसके बाद, ऐसा नहीं करिएगा। तो चार चीज रखिएगा सर, कुछ चीजें आपको कौन सा ध्यान नहीं देना है आपको पता है। खैर लाइए लास्ट, मनमोहन सिंह पे पहला लास्ट पढ़ाऊंगा, बस मैं भी निकल जाऊंगा, ठीक है, मुझे नहाने का मैं। तो पहला है मनमोहन सिंह में कॉन्टिन्यूएशन ऑफ ग्लोबल पावर, सर जो वाजपेयी जी ने किया उसको मनमोहन सिंह ने किया कॉन्टिन्यू। दूसरा पॉइंट दैट इज 2005 में इंडिया ने सर डील साइन किया और याद रखिएगा, हमने कभी भी जो यूएसए डील साइन करवाता है कि आप इस पे साइन करिए कि इसके बाद आप कभी भी न्यूक्लियर जो प्रोलिफरेशन है या कभी भी न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो नहीं बढ़ाएंगे, कैपेबिलिटी नहीं बढ़ाएंगे, तो हमने उस पे साइन उन्हें किया हुआ। हमने सीधा बात बोला कि सर सारा देश अगर डिसआर्मामेंट कर देगा हम भी डिसआर्मामेंट कर देंगे, हाँ पाकिस्तान को बोलिए छोड़ दे हम भी छोड़ देंगे, हमें बनाने का कोई शौक नहीं है सर। सुन पा रहे मेरी बात? नीचे अब सर दूसरा पॉइंट, फोकस ऑन एनर्जी सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी। सर राव ने ओपन इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट खोला था, मैक्सिमम लोग भी तो जुड़े थे। अच्छा सेम अब कॉन्सेप्ट देखो, अब उन्होंने छोड़ के इकोनॉमी को ठीक कर दिया, अब सर अटल बिहारी वाजपेयी इन्होंने इकोनॉमी को आगे बढ़ा दिया, अब सर सबसे ज्यादा मोटिव आ गया किस पे, मनमोहन सिंह पे। अच्छा मनमोहन सिंह के समय भी खूब ज्यादा हम इंटरनेशनली लोगों से जुड़े हैं, ऑलमोस्ट बहुत सारी कंट्रियों से, और उसके पीछे कारण है ऑयल के लिए, तेल, तेल के लिए, क्योंकि सर याद रखिए कभी भी कोई कंट्री जब डेवलपिंग स्टेज में होता है तो उसको इसका ऑयल का और सर ट्रांसपोर्टेशन का हमेशा जरूरत पड़ता है बहुत ज्यादा। अरे मनमोहन सिंह इस बात को समझ चुके थे, इनफैक्ट समझ चुका था इंडिया की सर अभी जरूरत पड़ेगी, इसलिए देखो हम लोग किसके किसके साथ एंगेज किए हैं, और अब यहीं पे मैपिंग का हमारा रिविजन भी हो जाएगा। देखो पहला मनमोहन सिंह इंक्रीज द ग्रोथ बिकॉज वी नीड इट, सो ऑयल, सो ही फोकस्ड ऑन ऑयल क्योंकि डिमांड इंक्रीज ड्रास्टिकली, सो वी एंगेज विथ ऑल कंट्रीज हैविंग ऑयल क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट क्या था, ऑयल, तेल का, हमें तेल चाहिए था सर। नीचे आइए दूसरा, सो वी एंगेज विथ अफ्रीका,
Because our relation was good due to Mandela. तो सर हमारा साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशन भी ठीक ठाक था और उसके पीछे कारण मैंडेला का था और महात्मा गांधी तो सर है ही उसमें. तो दो चीज, तो हमें साउथ अफ्रीका को बोला कि भैया तेल चाहिए. दूसरा, सर वी एंगेज विथ साउथ अमेरिका लाइक वेनेजुएला, पढ़ाया था कि नहीं? और बोला था आपको. उसके बाद क्या है, नॉर्थ अमेरिका में क्यूबा, क्यूबा में भी आपको बोला था कि सर वहां पर भी आपका वॉयल और उसके लिए फेमस है. तो सर हम उन सारे देशों से कांटेक्ट कर रहे हैं जिसके पास वॉयल है, क्योंकि हमारी अभी नेशनल इंटरेस्ट वॉयल है, क्योंकि हम डेवलपिंग स्टेज पे. अच्छा सुन पा रहे मेरी बात? Yes, अगर मैं नहीं भी बताता ना तो आप गेस करके बता सकते थे कि तेल के लिए इंडिया कहां कहां गया होगा, अगर आप मैपिंग रिवाइज ठीक से किए रहते तो. क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? आपको पता रहता सर कि वेनेजुएला पक्का गया होगा, सर क्यूबा गया होगा क्योंकि वो फेमस है, सर उधर सऊदी अरब भी जाने का कोशिश करेगा, है ना? और ऑस्ट्रेलिया में कुछ जगह था जो आपको मैंने बताया था, कौन सा जगह? कैलगरी भी एक जगह बताया था. और सर याद रखिएगा नीचे, अब एलाइस स्प्रिंग एक जगह बताया था, कहाँ बताया था? कहाँ बताया था? ऑस्ट्रेलिया में ही तो बताया था भाई. अब सर इधर आइए नीचे. अब सबसे पहले दूसरा देखो, साउथ अमेरिका में सुनो, इधर हम साउथ अमेरिका में गए, वेनेजुएला के पास भी गए, उधर हम नॉर्थ अमेरिका में क्यूबा के पास भी गए, जरा नीचे एक और नाम है, वियतनाम में भी गए, साउथ ईस्ट एशिया वियतनाम से भी, एंड ब्रुनेई के पास. ब्रुनेई याद है? पता नहीं, बताओ. बंदर सेरी बेगावन जो पूरा बोर्नियो के अंदर है और ब्रुनेई कंट्री है, लैंडलॉक. सर ब्रुनेई के पास गए लेकिन ब्रुनेई का अन्ना नहीं देंगे. तो सर इंडिया वाला, अच्छा नहीं दोगे तुम, इतना छोटा कंट्री हमको आंख दिखाता है. तो सर इंडिया देखो ऐसे काम घुमा के किया, कैसे देखो सऊदी अरब के पास जाएगा अभी, तो ब्रुनेई के पास भी गया. नीचे आइए, साउथ ईस्ट एशिया के बाद, क्योंकि ब्रुनेई का किंग सुल्तान था जो सऊदी अरबिया का दोस्त था. तो ब्रुनेई का किंग कौन? सुल्तान. दोस्त किसका? सऊदी अरब का. बोले तुम ना नहीं दोगे, पहुंचते हम सऊदी में. सऊदी में पहुंचा, बोला ब्रुनेई को बोल तेल देगा. ब्रुनेई को बोला गया, सऊदी अरब के सुल्तान भी इधर बोल दिए, ये भी बोल दिए तेल दे, ब्रुनेई दे दिया. अब सर देखो आगे, सर इंडिया ने सऊदी अरब से बुलवा दिया एंड ब्रुनेई एग्री. इंडिया जानता है कि किसका कान कहाँ खींचना है. नीचे आइए, इंडिया ऑल्सो डीपन इट्स टाइज विथ जापान एंड इंडिया रिलेशन विथ जापान इज मल्टी डायमेंशनल लाइक एजुकेशन साइंस एंड टेक रिसोर्स एक्सेट्रा. तो तेल के लिए अपन किए. देखिए देखो इधर देखो, महसूस करना मैं कंट्री का नाम कहाँ का बोला हूँ, सुनना अभी. सर इसमें भी है कि एक बहुत बड़ा सीक्रेट है, मतलब समझना. पहला कंट्री मैंने क्या बोला उसमें, सर नॉर्थ अमेरिका गया, उससे पहले आप अफ्रीका मान लो, साउथ अफ्रीका गया. कॉन्टिनेंट एहसास करना, कोई कॉन्टिनेंट नहीं छोड़ा है. अभी देखते जाओ, पहले गया कहाँ सर? अफ्रीका. साउथ अफ्रीका में गया, स्पेशली वहां मिल गया. अच्छा अब गया साउथ अमेरिका, वेनेजुएला. नॉर्थ अमेरिका क्यूबा, ऑस्ट्रेलिया कैलगरी, उसके बाद आपका एलाइस स्प्रिंग, उधर जाओ जापान, जापान मिल गया, लाओस वियतनाम. सर कुछ छोड़ा नहीं है लेकिन इसमें एक चीज छूटा है, यूरोप. कौन छूटा है? यूरोप. और सर उसके पीछे कारण है. अब दो बातें समझना, पहली बात कि जिस समय हम सिचुएशन अभी आ चुके हैं, और दो तीन बातों का ध्यान रखना है. सबसे फर्स्ट, रसिया तो खैर छोड़ दो बेचारा, रसिया तो अभी उठने वाला है अभी. अब दो चीज उठने क्या वाला है, उठ भी चुका है लेकिन रसिया से हम अभी सोच रहे हैं कि अमेरिका से इतने सालों से इंगेज कर चुके हैं तो रसिया से फिर धीरे धीरे काम बढ़ाएंगे. अब इंडिया ने जितने भी लोगों से मांगा है, अगर एक कंट्री ही आपको ना पता हो और इसके बारे में इसका लोकेशन ही ना पता हो, कितना भी कोशिश कर लो आप, दिमाग में रहने ही वाला नहीं है कि मदद किससे मांगना है. और आप सर कितना भी रट लो कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि बिना मैप का आपको पिक्चर ही क्लियर नहीं होगा कि कहाँ कहाँ जाएगा. अब मनमोहन सिंह ने क्या किया, जापान से भी मिले. तो जापान से सिर्फ तेल के लिए नहीं मिला, जापान से हमारा एग्रीमेंट सर बहुत अलग अलग फील्ड में हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन में, और स्मार्ट सिटी का कॉन्सेप्ट जापान से ही आया है. तो सर ये सारा कॉन्सेप्ट वहां से हमने मिलना शुरू किया. तो क्या आपको नहीं लगता कि लगभग हमने पूरा कॉन्टिनेंट ऑलमोस्ट सबको छू दिया? अच्छा एक और बात, ऑस्ट्रेलिया में जाने का एक और कारण था. ऑस्ट्रेलिया में अगर आपको थोड़ा बहुत ध्यान हो तो उस समय इंडियन स्टूडेंट के साथ बड़ा गलत हो रहा था, अगर थोड़ा भी ध्यान में हो तो. उस समय इंडियन स्टूडेंट के साथ, जो इंडियन स्टूडेंट यहाँ से गए थे ऑस्ट्रेलिया पढ़ने, उनके साथ बहुत ही बदतमीजी या भेदभाव, काले गोरे, और बहुत एक भयंकर लेवल पे वहाँ पे हंगामा चल रहा था. तो सर वहाँ पे उसको शांत करने के लिए भी पीएम गए और दोनों काम हुआ. क्या बोला? एक ही तरीका है, डील कर लो. और बता भी दिया कि भेदभाव ठीक नहीं है क्योंकि तुमसे बिजनेस करने आया, जब बिजनेस करोगे ऑटोमेटिक उसके बाद मामला शांत हो जाएगा. उसके बाद से आज तक सर ऑस्ट्रेलिया के बाद, हालांकि देखो भेदभाव इक्का दुक्का हर जगह होता ही और होगा भी, आप ना चाहेंगे चाहेंगे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, होना लाजमी है, वो उतना होता रहेगा. बट इम्पॉर्टेंट ये है कि मास और लार्ज स्केल पर नहीं होगा कि पूरा का पूरा एकदम बदल जाए. नीचे आइएगा,
राइट साइड में। तो सर मनमोहन सिंह ने क्या किया, पहली बात सर इन लोगों ने ये देखा कि अब हमको एनर्जी और रिसोर्सेज की जरूरत है, स्पेशली ऑयल की, ये जरूरत के लिए सर काम करे, जरूरत के लिए काम किया भी इन्होंने और लगभग सारे देशों से क्या किया टाई अप। अच्छा आप मनमोहन सिंह सोचते इधर आओ, साउथ अफ्रीका के पास आपको मनमोहन सिंह से पहले कोई गया है? नहीं गया। अभी देखो ध्यान से, हमने ट्राई किया था, स्पेशली इंदिरा गांधी के बाद से हमारा साउथ अफ्रीका के साथ रिलेशन खराब हो गया, क्योंकि साउथ अफ्रीका का ये कहना था कि इंडिया तुम वो नहीं हो, तुम वो देश हो जहां रामायण, महात्मा गांधी और इस टाइप के लोग हैं जो अहिंसा करते हैं और तुमने कर दिया है हिंसा। तो हमारा साउथ अफ्रीका के साथ थोड़ा रिलेशन हुआ खराब। लेकिन सर फिर आते आते नरसिम्हा राव, आईके गुजराल, इन लोगों ने पूरा न्यूट्रल अपना लिया अपना बात। इन लोगों में देखो क्या कमाल के बात किया है, राजीव गांधी तक मारपीट चल रहा है, जैसा जवाब वैसा। इधर देखो नरसिम्हा राव ने कुछ नहीं बोला है, मारपीट का एक स्टेटमेंट कहीं नहीं है। आईके गुजराल नॉर्मल क्या बोला, फॉरेन वाले जो नेबरहुड उनको शांत करो, प्यार बरस रहा है, समझ में आ रही बात। अच्छा वही इनके बाद आ गया, आईके गुजराल के बाद कौन आएंगे, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी भी ठीक ठाक स्थिति में है। अब सर मनमोहन सिंह न्यूट्रल, अब मनमोहन सिंह के बाद आने वाले हैं, क्योंकि अब सिचुएशन का डिमांड है। तो पीएम का उसी तरीके का रोल बना, जब जो सिचुएशन डिमांड करता है पीएम वैसे काम किया है। तो कैसे कह सकते हैं कि कौन सा पीएम किस पार्टी का नहीं किया है? अब आपको सर सोच के अच्छा लग रहा होगा, मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ। लेकिन देखो सर कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन आईके गुजराल और नरसिम्हा राव का है कि सर पूरी तरीके से न्यूट्रल हो गए, बिल्कुल कोई मारपीट का या जवाब का स्टेटमेंट ही नहीं आया है कहीं से भी नहीं। राजीव गांधी तक पूरा बवाल चला है, राजीव गांधी के बाद पूरा पलट गया, न्यूट्रल आप हो गए, और होना लाजमी था क्योंकि सर उस समय भी समझ चुके थे कि बहुत सारे ऐसे देश है जो हमसे नाराज है क्योंकि हमारा नेचर उसके विपरीत काम चल रहा है अभी, और तबाही मचा दिया इंदिरा गांधी ने और राजीव गांधी ने। अब हम लोग हो जाते हैं न्यूट्रल और जो पहले से नाराज है उनको मिलाते हैं गले। सर इसीलिए नरसिम्हा राव आईके गुजराल का देन था कि उन्होंने क्या किया, एक बेस तैयार किया और उस बेस पे खेले कौन, मनमोहन सिंह। क्यों? क्योंकि तब तक विश्वास बन गया कि नहीं अब इंडिया जो है न्यूट्रल है, क्योंकि मोदी के आने से पहले हो गया नहीं। तो सर हमने साउथ अफ्रीका से रिलेशन मांग लिया, हमने सब कुछ से मांग लिया और यहाँ से हमारा एक अलग लेवल पर काम हुआ। अब मनमोहन सिंह के बाद थोड़ा आगे आइएगा, क्या कि मनमोहन सिंह का कंट्रीब्यूशन इतना ही नहीं है, बहुत है। थोड़ा पेज नंबर आएगा 76 पे, इंडिया ऑल्सो डीपेन इट्स रिलेशन विथ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से स्पेशली 2006 से हमारा संबंध काफ़ी अच्छा हो गया, क्योंकि पहले इंडियन स्टूडेंट्स पे अटैक हुआ करता था बट अब नहीं होता है। देन आगे We engage with Australia in multi-dimensional, like वहाँ पर भी science and tech education से field में। नीचे सिंगापुर से ऑस्ट्रेलिया जाते हैं हम लोग, सो सिंगापुर के साथ भी रिलेशन हमारा अच्छा हो गया। सर ऑस्ट्रेलिया जाना है तो सिंगापुर हो गई तो जाना पड़ेगा, मैपिंग में क्लियर है कि देखोगे एक बार और देख लो, ठीक है देख लो। तो देख लो यहाँ पे सर सिंगापुर कहाँ है आपको पता ना, वेस्ट मलेशिया। सर मलेशिया के जस्ट नीचे, वहां से आपको ऑस्ट्रेलिया जाना क्या हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो सर आप मलेशिया के साथ फिर सर ठीक किए। अच्छा आप बोलोगे कि सर एक बात बताइए, श्रीलंका भी तो था इधर, अरे भाई तो सिंगापुर उससे नजदीक है ना, सिंगापुर यहाँ है तो यहाँ से जाना इजी रहेगा ना, श्रीलंका यहाँ है। और हरामखोर श्रीलंका से हमारा संबंध उस लेवल का नहीं था, और सोचो सिंगापुर से संबंध क्यों हुआ, क्योंकि लुकिस्ट पॉलिसी। अरे याद करो नरसिम्हा राव ने बोला था ना, क्या बोला कि सर पूरब की तरफ देखो, क्यों हमारे पास यूएसए से मदद है, तो हमने लुक पॉलिसी में वियतनाम, सिंगापुर, लाओस, कंबोडिया सबको हमने कैप्चर करना था, तो उन सबसे रिलेशन हमारा ठीक हो गया था, तो हम कहे जाए फिर श्रीलंका के पास। पेज नंबर 76 के नीचे सिंगापुर के साथ अच्छा हो गया, सो मनमोहन सिंह के समय एंगेजमेंट ब्रॉडेन एंड वर्ल्ड लेवल एंगेजमेंट हुआ। आपको नहीं लगता, देखो इधर जवाहरलाल नेहरू डरे हुए थे, किसी से एंगेज नहीं किए। आगे सर बढ़ते गई, उसके बाद आगे आए शास्त्री जी तक कोई ठीक ठाक नहीं, इंदिरा गांधी तक सहमे हुए थे। बढ़ाया कौन, राजीव गांधी ने बोला हाथ बढ़ाओ, इन्होंने बढ़ाया उसको और ज्यादा स्प्रेड किया। नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव ने क्या बोला, वो भी बहुत देर से तो मिले क्या यूएसए के चक्कर में, सबके साथ मिलो, उसके बाद यूएसए के बाद नरसिम्हा राव, फिर कौन, आईके गुजराल, इन्होंने क्या बोला नेबरहुड को ठीक करो। और सर आईके गुजराल के बाद फिर कौन आए, कौन, वाजपेयी जी। वाजपेयी जी भी फिर पाकिस्तान चले गए। अच्छा वाजपेयी जी पाकिस्तान क्यों गए, क्योंकि सर आईके गुजराल बोल के गए थे कि सर नेबरहुड अगर शांत नहीं हुआ तो आपका डेवलपमेंट बहुत टफ हो जाएगा, क्योंकि हमारा अगर आस पड़ोस का, इसलिए पड़ोसी अगर ठीक ठाक आपका नहीं है आपका डेवलपमेंट बहुत मुश्किल है सर, इसलिए पड़ोसी को थोड़ा सा ठीक रखना ज़्यादा जरूरी है। तो ये बात अटल बिहारी वाजपेयी समझ चुके थे, इन्होंने अप्लाई किया, पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान जाना ये प्रूफ दिखाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी ने आईके गुजराल के बात को कितना सीरियसली लिया है।
और जाकर लगभग उस समय सब किसी से स्टेबिलिटी किया गया। अच्छा अब अटल बिहारी वाजपेयी के कौन आ गया, मनमोहन सिंह। अच्छा फर्क देखो, अटल बिहारी वाजपेयी जो भी थे अच्छे थे बट थोड़े से कड़क तो थे। अब सर कड़क हो गए और जरूरी भी था क्योंकि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन चाहिए था हमें, शांति से रहते काम नहीं होता। अब सर आ गए मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह से क्यों सब लोग रिलेशन अच्छा कर लिया, इस दुनिया में एक बात याद रखना, जो शांत रहता है ना उसके तरफ बहुत लोग आकर्षित होते हैं। इस दुनिया की एक प्रवृत्ति है जो बहुत सुने, अगर बहुत सुनता हो, खूब सुनता है, खाली अब उसको भर भर के बोलते रहो खाली सुन रहा है, उसको बहुत लोग पसंद करेंगे, मैं गारंटी बता रहा हूँ। उसको लोग कहेंगे बढ़िया आदमी है, भले अंदर अंदर गाली दे रहा हो कि कब भागे, लेकिन सर वो सुन तो रहा है ना, क्योंकि सुनने के लिए भी सर एक आर्ट, एक क्षमता चाहिए, क्योंकि आजकल सुनता कहाँ है लोग, और आपसे बेहतर कौन जानता है, नहीं चाहिए मतलब। दूसरा अच्छा एक और बात बताओ, मनमोहन सिंह ने सर तेल के लिए लगभग आप देखो कहाँ गए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, इधर आ जाओ साउथ अफ्रीका, नीचे वो भी बिल्कुल क्यूबा, वो भी पानी में डूबा हुआ है। सर तेल लाएंगे तो समुद्र में ना लाइएगा, माथा पर रख के तो लाइएगा नहीं। तो सर अगर आप समुद्र से लाएंगे तो आपको समुद्र का प्रोसेस और समुद्र में जो सी पायरेसी होता है, जो लुटेरे, जो और दखलंदाजी, उसको भी ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि सर लेके आना ओवरऑल एक नया कॉन्सेप्ट आया SLOC का। किसका कॉन्सेप्ट आया, SLOC, क्या है फुल फॉर्म SLOC का, उसमें होगा सबसे पहले कि सर सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन, दिख पा रहा है सर, सी लेन ऑफ कम्युनिकेशन का एक मीनिंग होता है कि आप जिस रूट से भी जा रहे हैं, किसी भी समुद्री रास्ते से, उस समुद्री रास्ते को आप ठीक ढंग से सुचारू रूप से रखे हुए हैं पूरे सिक्योरिटी के साथ, कि आपके ट्रेड में कोई हस्तक्षेप ना हो, क्योंकि समुद्री लुटेरे पहले भी थे, आज भी है, आगे भी रहेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि लुटेरा कभी भी खत्म नहीं होगा, हाँ कम हो जाएगा जरूर। तो दो चीज है, SLOC का क्यों जरूरत पड़ा हमें, ये यूनिक कॉन्सेप्ट था, और याद रखो इधर इन्होंने बोला था मनमोहन सिंह ने, SLOC इज वेरी इंपॉर्टेंट, और नरेंद्र मोदी भी बोले SLOC मस्ट बी प्रोटेक्टेड। दोनों का मीनिंग समझो, SLOC बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन बोले, मनमोहन सिंह, क्यों, क्योंकि सर इतना सारा व्यापार कर रहे हो आपको तो उसको तो लाना पड़ेगा। अच्छा ये क्या बोले मोदी जी, SLOC को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उसको सेव करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि चाइना हरामखोर अपना दिखाते रहता है साउथ चाइना सी में, कभी दूसरे में, कभी इंडियन सी में, कभी इधर। तो सर इन्होंने क्या बोला, ऑल द सी मस्ट बी प्रोटेक्टेड, दोनों में फर्क है, लेकिन स्टार्ट कौन किया, मनमोहन सिंह, और प्रोटेक्ट कौन कर रहा है, नरेंद्र मोदी। तो सर ये PM है, एक ने काम को बढ़ाया, दूसरा उसका रक्षा कर रहा है, यहाँ मोदी वर्सेस मोहन सिंह और मनमोहन सिंह नहीं चलता है, यहाँ PM वर्सेस PM है, एक ने सर एक लेवल पे लाया, दूसरे ने उसको लेवल पे लाया। अच्छा महसूस करके देखो क्या आप सोच के, कहाँ से चले थे हम, जवाहरलाल नेहरू से, कहाँ तक आ गए, अगर इसमें एक भी PM अपने बारे में सोचा होता कि हम ये हैं तो क्या हम यहाँ तक पहुँच पाते, नहीं पहुँच पाते। हम कैसे कहें कि यार PM किसी पार्टी का होता है, किसी नेता का है, क्या है, क्या समझ में आ रहा है, जोर से बोले सर। तो आपको सर अब जब आप पढ़ेंगे ना ये फॉरेन पॉलिसी, आपको तब एक अलग लेवल के इंसान बना देगा, तब जो आपके आसपास बाहरी में डिस्कशन जो होगा ना, बाहर में मोहल्ले में, चाय की दुकान, पान की दुकान, भोजा की दुकान, इस सब पे डिस्कशन होगा, तो जब आपको बोलेंगे दादाजी और पापा जी लड़ रहे होंगे BJP वर्सेस कांग्रेस, इधर बोलना पापा दादा रुक जाओ और 2 मिनट रुको अगर वक्त है तो, या मैं समझाऊंगा या नोट्स मैं दे रहा हूँ, दोनों लोग पहले देख लो, बाद बाकी इसके बाद डिस्कशन होना चाहिए, मेरा दिमाग खराब हो गया आप लोग का BJP वर्सेस कांग्रेस, क्योंकि सर नॉलेज नहीं था। तो आप भी सर क्या हुआ, कभी पापा के फेवर में चले जाते थे, आप दादा के मजे ले लिए, दादाजी वैसे होते, दादाजी क्या होता, दादाजी बच्चे की तरह, वही बच्चा पड़ा हुआ है सर, दादा में और बच्चे में एक ही फर्क है, सेम चीज, इंसान जहां से उठाया वहीं पे पहुंचेगा। तो दादाजी और बुढ़ापा एज लाइक चाइल्ड, बस फर्क यही है कि बुढ़ापे में आप सब कुछ सीख के भी अनजान हैं और बचपन में आपको भी सारा कुछ सीखना बाकी है। बुढ़ापे में आप सब जानते हैं ये हो रहा है लेकिन आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बचपन में भी आप कुछ नहीं जाने, आप बस सीख रहे हैं, बाकी है तो ही वहां पे भी बचपन में आपको मम्मी पापा की जरूरत पड़ेगी, बुढ़ापे में भी केयर की जरूरत है, बिना केयर का काम ऐसे भी नहीं होने बुढ़ापे में। तो सर दो बातों का ख्याल रखिएगा, और जब डिस्कशन हो BJP वर्सेस कांग्रेस तो हाथ जोड़कर दोनों को प्रणाम कर लीजिएगा, और प्रणाम करके बोलिएगा पापा मेरे सामने, इसके बाद करिएगा।
नहीं करिएगा सर, ये बहुत गंदा डिस्कशन है। अगर किसी घर में पार्टीज का डिस्कशन चल रहा है तो बहुत बेकार है। डाइनिंग हॉल पे या खाने खाते समय पापा मम्मी या जो भी हैं, तो डिस्कशन अगर क्या चलना चाहिए बता देता हूँ। तो डिस्कशन अगर सर आपके चल रहा है नॉर्मली, स्पेशली